एस बी ए फोरम सीनियर बिजनेस एसोसिएट फोरम की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम की शुरुआत लाइटनिंग ऑफ से करेंगे। आज 12 मार्च है और 12 मार्च को हमें आज यहाँ एकत्रित होने की क्यों जरूरत पड़ी सबकी चिंता एक ही है कि इस वर्ष का मार्च कैसा होगा इस साल हमें दो क्लोजिंग ऑलरेडी कर चुके हैं उसके बाद दूसरा क्लोजिंग हुआ दिसंबर में आपने फिर दिखाया कि एक क्लोजिंग से मेरा क्या होगा रे? पर अब आ गया है मार्च तो अब हम हम सब की चिंता एक ही है कि अब तेरा क्या होगा तो इस सवालों के जवाब ढूंढने मित्रों हमने दिल्ली से मिस्टर टीएस मदान इनको यहाँ आज नागपुर मंडल में आमंत्रित किया है इनके बारे में अगर जानकारी लेना है तो आप यूट्यूब पे अगर जाते हैं और टी एस मदान करके या सिर्फ टी एस भी डालते हैं तो इतने सारे वीडियोस आपको दिखेंगे कि मुझे लगता है पूरे साइट पे किसी के इतने वीडियोस नहीं है मैं आज के जो व्यक्ति है टी एस मदान जी इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु हमारे जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर मिस्टर विनय ढोले इनको आमंत्रित करता हूँ धन्यवाद मित्र पिछले तैहतीस वर्षों से ये लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन से जुड़े हुए हैं पहले एजेंट के रूप में बाद में विकास अधिकारी के रूप में और जब विकास अधिकारी के रूप में उन्होंने उनके कार्य का जो दायरा देखा उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों मैं सिर्फ अपनी ही टीम के लिए मोटिवेट करके अपना जीवन व्यतीत करूं क्यों न मैं पूरे भारत को पूरे हिंदुस्तान को अपनी वाणी से और अपने ज्ञान से प्रकाशित करूं चाहूंगा एक बार जोरदार तालिया इनको राष्ट्रपति मेडल तथा उद्योग रत्न द्वारा सम्मानित किए हैं राष्ट्रपति मेडल दोस्तों तालिया तो बनती है अनजान लोगों को अपना ग्राहक कैसे बनाए ग्राहक की ना को हा में कैसे बदले पारिवारिक संबंध हमारे क्रोध पर कंट्रोल कैसे करें बोलने की कला चालने की कला स्वभाव आचरण आदतें ये सभी इनके बड़े रुचि वाले सब्जेक्ट हैं एल के एल इंडिया के अलावा नोकिया वीडियोकान मारुति रेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल जेल स्टाफ ये सभी पे ये मोटिवेटर करके जाते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने सदतीस बार खुद का खून देके दूसरों की जान बचाई है आज नए जमाने का नया नारा है कि रक्तदान करो और जान बचाओ तो ऐसे बहुगुणी व्यक्तिमत्व श्री मदान जी आज हमारे बीच में है दोस्तों आखिरी ये 20 दिन हमारे लिए एक कठोर परीक्षा है हमारे लिए ये एक युद्ध का समय है हमारे लिए एक वार स्वरूप है पुराने जमाने में हाथ में संगीन तलवार भाला लेके लोग युद्ध भूमि में जाते थे आज हमारे लिए बिजनेस यही एक युद्ध है कब तक बाहर की रोशनी से काम चलाओगे दोस्तों कुछ अंदर की रोशनी को भी तो जगाना पड़ेगा और आज ये जगाने के लिए हमारे मित्र मदान साहब आ रहे जोरदार तालियों के साथ मैं मदान साहब को आमंत्रित करता हूं मैं चाहूंगा विनय जी को कि उनका पुष्प गुच्छ दे के स्वागत करेंगे जोरदार तालियां थैंक यू सत्संग करें सत्संग समझते हैं आप जिसमें अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ बैठकर अच्छी बातें करते हैं और सत्संग में एक गुरुजी भी तो होते हैं तो फिर क्या हो गया अगर टाई सूट पहन ली सभी लोग गुरुजी के पीछे एक अपने धर्म का जकारा बोलते हैं तो आज मेरी इच्छा हुई कि हम इसको सत्संग का शेप दे देते हैं इट्स नॉट ए सेमिनार इट विल बी ए सत्संग तो आप एक बार प्रेम से बोलिए आप बाहर नहीं आते उन चीजों से आपका धर्म प्रेम से बोलिए जिंदगी के साथ भी जिंदगी के ये है हमारा धर्म आज जो भी आपको इस सरदार में दिखाई दे रहा है चाहे वो पगड़ी है चाहे वो टाई है चाहे वो सूट है चाहे वो जूते का फीता है ये हर चीज एल आई सी ने दी है एक एक रग में अगर मैंने 37 टाइम्स ब्लड दिया है तो मैं जानता हूं सैंतीस ऐसे लोग हैं जो एजेंट बन चुके होंगे उनके शरीर में मेरा खून दौड़ता है माई डियर सन्स एंड माई डियर डॉटर्स बुरा नहीं मानिएगा मुझे जितने भी लोग हैं आपकी उम्र दिखाई नहीं देती है आपकी एज दिखाई नहीं देती है मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सन्स एंड डॉटर्स बैठे हैं इतराज कोई पांच सौ के करीब बेटे और बेटियां मोर देन फाइव हंड्रेड पिंकी बहुत खुश होगी पिंकी मेरी फर्स्ट वाइफ बीच, बीच में नहीं बोलना है बीच में नहीं बोलना है पूरी बात सुनने से पहले नहीं बोलना है फर्स्ट वाइफ एंड करंट वाइफ एक ही है अभी तक तो सत्संग शुरू करें प्रेम से बोलिए थोड़ा और जोश थोड़ा और जोश आप दिमाग से बोल रहे हैं इस समय जैसे सरदार बोलते हैं वैसे बोलिए है। हम दिमाग से नहीं बोलते हैं हम दिमाग से काम ही नहीं करते हम तो केवल दिल से काम करते हैं और और जो काम दिल से होता है वही काम है केवल उसी में कामयाब होया जा सकता है तो दिल से बोल दीजिए जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी एक बार और अब आएगा मजा अब आएगा मजा महाराष्ट्र एंड पंजाब मिल गया आज मैं जहां रहता हूं ना नाइन फ्लोर्स की बिल्डिंग है नौ मंजिलें हैं उसमें नौ माले मैं सेवंथ पे रहता हूं हम लोग थर्टी फर्स्ट दिसंबर सेलिब्रेट कर रहे थे तो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सरसाइज का टाइम नहीं बचता है सेहत ठीक कैसे होगी मैंने कहा अच्छा खाना शुरू करो तो अच्छा खाना मिलता नहीं है सेहत कैसे ठीक होगी मैंने बोला साइकिलिंग कर लो तो साइकिलिंग भी नहीं होती टाइम नहीं है सेहत कैसे अच्छी होगी तो मैंने बोला क्यों नहीं दिन में एक बार नाइन फ्लोर्स पौड़ियां सीढ़ियां से चढ़ा जाए तो मैंने उनको बोला दिन में कम से कम एक बार नाइन फ्लोर सीढ़ियां चढ़ो नाइन फ्लोर सीढ़ियां उतरो आपके पूरे दिन का वर्कआउट हो जाएगा तो सभी लोगों ने शुरू कर दिया दस दिन के बाद सबको आदत हो गई दस दिन के बाद अचानक एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई कि छत पे वन मानुष है वन मानुष हैं आप वो काला सा बड़ा सा बंदर की शेप में जो होता है चिंपांजी, कहता है वो छत पे है सभी लोग दुबक गए अपने घरों में तीन दिन के लिए कोई नहीं गया ऊपर अब ऊपर दिखाई देता था नीचे से बैठा हुआ बाहर से दिखाई देता था ऊपर है पूरी कॉलोनी में पूरी बिल्डिंग्स में बात फैल गई कि ऊपर एक वन मानुष है कोई जाने को ट्राई नहीं कर रहा था हमारा जो घर है हमारी जो कॉलोनी जो सोसाइटी है वो दिल्ली से अराउंड ट्वेंटी किलोमीटर्स बाहर हाईवे पे है वहाँ आसपास कोई आबादी नहीं है कोई लोग नहीं रहते हैं इसलिए वन मानुष का आना कोई हराने वाली बात नहीं थी स्वाभाविक है क्योंकि फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड दिल्ली की भागदौड़ से बाहर है हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को बुलाया गया अल्टीमेटली कि उसको पकड़ना है क्योंकि बंदर या डॉग तो है नहीं कि हम डराएंगे और नीचे आ जाएगा वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए छत पर गए छत से वापस आए तो हंसते हुए और हमें कोसते हुए। मैं कहा हुआ क्या भाई कहता जो वन मानुष नहीं था एक बड़ा सा काला रंग का पन्नी कचरे का भरा हुआ वो पड़ा हुआ था ऊपर यानी मन का वहम मन की शंका मन का डाउट हमें छत पर जाने से रोक रहा था और यकीन मानिए हमारे एल एजेंट अधिकतर उसी शंका के चक्कर में है कि सितंबर में काम कर लिया है दिसंबर में काम कर लिया है मार्च में काम नहीं होगा एक शंका दूसरा शंका अभी बाहर मुझे एक बोल रहा है यार इतनी मंदी की लहर है आपकी मोटिवेशन क्या करेगी मंदी की लहर है पूरे पूरे कंट्री में मंदी की लहर है रिसेशन है कंपटीशन बढ़ गया है पहले जब हम काम करते थे एक ही कंपनी थी अब 25 कंपनी और आ चुकी हैं। पहले हम काम करते थे तो थोड़े से एजेंट्स घूमते थे अब एजेंट्स की भी पूरी की पूरी रेस लगी है वो मन का वहम उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं 1986 की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं 86 अक्टूबर में मैं एजेंट था और हमारे एक कंपटीशन हुआ डलहौजी चलो डलहौजी एक हिल स्टेशन है पंजाब में नॉट पंजाब पंजाब के साथ में हिमाचल प्रदेश में डलहौजी चलो ये कंपटीशन था अक्टूबर में हमने दम से काम किया क्योंकि जाना ही है डलहौजी डलहौजी पहुंच गए वहां से वापस आए मुझे डेट याद है दस नवंबर दस नवंबर को मेरे ब्रांच मैनेजर मुझे कहते हैं कि टी एस मदान नवंबर में कितना काम करेगा मैंने कहा सर आपको शांति नहीं मिलती कहीं अब अक्टूबर में काम करके हटे हैं अब नवंबर में मैं कहा, आपके पास हम आते हैं तो आपके पास केवल दो ही बातें होते हैं आए हो क्या लेके आए हो अब चले हो क्या दे के जाओगे सिवाय धंधे की कोई बात नहीं आप कर सकते हर से बिजनेस कहते नहीं यार मेरा तो काम है मुझे तो सैलरी से काम की मिलती है तो बात तो कर मैंने सोचा कि इनको सैलरी मिलती है हमें कहने की और अगर हम काम कर देते हैं तो हमारे काम की कमीशन तो हमें मिलनी है ना वो इनको तो नहीं मिलनी वो तो हमारे पास रहेगी तो मैंने कहा चलो डिस्कस करते हैं मैं कहा, सर अक्टूबर में काम कर लिया है अब काम हो सकता है क्या कहता हो तो सकता है लेकिन तू नहीं कर सकता क्योंकि तेरी सोच शुरुआत ही वहां से हुई कि काम कहां से आएगा मैंने कहा सर कुछ टारगेट दे दीजिए मुझे ट्राई करते हैं कहते नहीं टारगेट टू डिसाइड कर बहुत ध्यान से सुनना ये छोटी सी जिक्र जो आपके साथ कर रहा हूं हो सकता है आज के लिए ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाए कहते टारगेट टू डिसाइड कर मैंने कहा मुझे बता दो दीजिए टारगेट डिसाइड कैसे करते हैं मैंने तो इतना सुना है साल में बारह केस हो जाए एजेंसी बच जाती है कहते टारगेट तूने डिसाइड करना है। मैं डिस मुझे बता तो दीजिए किस तरह से टारगेट किस तरह से गोल डिसाइड किया जाता है कहते गोल डिसाइड करने के लिए केवल एक ही रास्ता होता है कि अगर आपके गोल को सुनकर अगर आपके टारगेट को सुनकर अगर आपके लक्ष्य को सुनकर पांच लोग आपको पागल नहीं कहते तो आपका लक्ष्य छोटा है पांच लोग अगर आपको पागल नहीं कहते तो आपका लक्ष्य छोटा है तो मैंने कहा सर लक्ष्य आप दीजिए कहते नहीं तू डिसाइड कर मैं कह नहीं आप बोलिए कहते मेरा क्या है मैं तो कह दूंगा फाइव हंड्रेड पॉलिसीज मैंने कितने दिनों में कहते बीस दिनों में मैंने कहा सर पागल हो गए क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को मुझे भी आइडिया हो गया कि इसका मतलब यह टारगेट बनाया जा सकता है उसी समय मैंने फोन उठाया सीधा पिंकी को पिंकी आप जानते हैं कौन है आ, लोगों की वाइफ का नाम नहीं बोलते हो आप।, आप मेरे सन्स एंड डॉटर्स हो तो पिंकी आपकी क्या लगी मैंने पिंकी को फोन लगाया पिंकी मैंने डिक्लेयर किया है कि नवंबर के बाकी बीस दिनों में फाइव हंड्रेड बेचनी है अब उसने क्या कहा वो आप बोल दीजिए मैं समझ गया कि मेरा लक्ष्य सही है मान लो पांच सौ नहीं भी हो पाएगा तो कहीं पौने पांच सौ हो जाएगा साढ़े चार सौ हो जाएगा सवा चार सौ हो जाएगा चार सौ साढ़े तीन सौ तीन सौ ढाई सौ दो सौ डेढ़ सौ सौ कहीं तो हो जाएगा लेकिन वो जो बारह पर ईयर का चक्कर है उससे तो बाहर निकल ही जाऊंगा कम से कम उन दिनों में आप में से कई लोग हैं जो एटीस में एजेंसी चलाते थे वो जानते होंगे उन दिनों में कोई मोबाइल फोन नहीं थे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कोई इंटरनेट नहीं था कोई लैपटॉप नहीं थे कोई एल की पब्लिसिटी का कैंपेन भी नहीं होता था कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आता था लोग केवल इतना ही जानते थे कि ये बीमे का एजेंट है तो मैं लोगों से पूछता था, था आपके पास क्या है तो वो कहते थे मेरे पास मां है तो मैंने कहा ठीक है अगर आपके पास मां है तो मेरे पास भी मां है बीमा मेरे पास बीमा है सेकंड लास्ट रो में जिन्होंने ताली शुरू की थी वो एक मिनट खड़े हो सकते हैं भगवान आपको दो करोड़ रुपए इनकम टैक्स लगाए कितने अच्छे हैं यार इन लोगों ने शुरू करनी थी ना 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 छोड़ दो ये आप ही ने मेहरबानी कर दी है 500 पॉलिसीज कहां पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास गाड़ियां नहीं है अब मेरे पास कोई तरीका नहीं था अक्टूबर में सभी अपने जान पहचान वालों को क्या बोल रहा हूं मैं उनसे जो लेना था ले चुका था जो छीनना था छीन मैं अपने आज जब मुझे पता लगा कि मार्च में मेरा सेमिनार हो रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे अपनी बात समझाने का एक अवसर मिला है सबसे बिजनेस ले चुका हूं सबको पॉलिसी चुका हूं दस दिन पहले की बात है अब दस नवंबर को है थर्टीथ नवंबर तक पांच सौ पॉलिसीज बेचनी है सरदार हूं ढीठ हूं हम एक बार सोच लिया तो सोच लिया पीछे हटना नहीं है अब तो मैंने कहा सर सभी एजेंट्स को बुलाओ सबको बोल दो ना यह बात कहते तो उससे क्या होगा मैं उससे चैलेंज मिलेगा कहते हो के जिस बंदे ने भी इस महीने सबसे ज्यादा काम किया उसका इस साइज का पोस्टर ब्रांच के बाहर लग जाएगा कोई इनाम नहीं कोई प्राइज नहीं पोस्टर लग जाएगा मैं गया फोटोग्राफर के पास तब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ होते थे कलर्ड फोटोग्राफ नहीं होते थे मैंने एक ब्लैक एंड वाइट पोस्टर बनने के लिए ऑर्डर दे दिया तीन दिन लगे तीन दिन के बाद वापस लिया ब्रांच में आया सर ये मेरा पोस्टर कहते काम कितना किया है मैं सर अभी शुरू नहीं किया कहते आपको कोई समझ नहीं सकता मैं यस आई नो हमें कोई नहीं समझ सकता उसके बाद मैंने क्या किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं आज का जो मेरा सेमिनार है आपको तीन चीजें देने वाला है तीन चीजें आपके परिवार की जो खुशी है जो प्रसन्नता का स्तर है जो फैमिली हैप्पीनेस लेवल है कहीं भी हो सकता है हो सकता है यहां पर हो हो सकता है यहां पर हो या पहले से ही यहां पर हो मेरा वादा है उस लेवल को वहां से उठा के कई गुना बढ़ा के यहां ले जाएंगे तैयार हो मैं हिंदी बोल रहा हूं क्योंकि आपको हिंदी जल्दी समझ लगती है मुझे जवाब मेरी भाषा में चाहिए पंजाबी में आहो तैयार हो आहो। 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 आपके परिवार की खुशी का लेवल मेरे सेमिनार के बाद बढ़ने वाला है दैट्स माय प्रॉमिस आपके समाज में जो भी आपकी इज्जत का लेवल है वेर एवर यहां है यहां है यहां है मेरा वहां पर भी वादा है उस लेवल को भी वहां से उठा के कई गुना बढ़ा के यहां ले जाएंगे आर यू रेडी एंड थर्ड योर इनकम लेवल जहां भी है लोग केवल इतना कमा रहे हैं कोई पहले से इतना कोई पहले से ही इतना कोई पहले से ही पीक परफॉर्मर हैं मेरा वहां पर भी वादा है कि हम उस लेवल को भी वहां से उठा के कई गुना बढ़ा के यहां ले जाएंगे तैयार हो मैं अपने एक दोस्त के पास गया चाय बनवाई अदरक वाली वहां पर बैठ के सोचा कि अब क्या किया जाए पहले दिन 20 लोगों के पास जाना है इंश्योरेंस बेची है नहीं बेची उन्होंने खरीदी है नहीं खरीदी ऑफ दैट मैं उनके पास गया पहले दोस्त के पास जो मैंने किया एग्जैक्टली वैसे नहीं करना है केवल आइडिया लेना है आपने आइडिया समझना है क्योंकि हालात बदल गए समय बदल गया मैं पच्चीस साल पुरानी बात सुना रहा हूं आपको और ऐसा ना हो कि एक ही तरीके से छह लोग काम कर रहे हो कल बाजार में मैंने कहा यार तेरे से एक काम करवाना है दिल से बोल रहा हूं आपके साथ बातें कर रहा हूं बस परिवार में हूं इसलिए मैं उसके पीछे नहीं खड़ा हुआ केवल बातें करने आया हूं लेक्चरर नहीं हूं मैंने कहा तेरे से एक काम करवाना है यार कहते बोल सब यार बीच में आवाज़ बंद हो जाती है थोड़ा ध्यान रखना हेलो चेक 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 मिल गया ना मुझे ठीक तो है।, है जी आवाज ठीक है मैंने कहा यार एक ब्रांच में कंपटीशन डिक्लेयर हुआ है कि अगर मेरा काम सबसे ज्यादा होगा तो मेरा एक बड़ा पोस्टर लगेगा तेरी हेल्प चाहिए कहता क्या हेल्प मैं कह, कोई एक पॉलिसी तेरी अमाउंट का प्रीमियम तेरी मर्जी का प्रीमियम जितना प्रीमियम तू देना चाहे लेकिन मुझे एक पॉलिसी चाहिए कहता यार करवाना ही है तो फिर ढंग का करवा लेते हैं अगर पॉलिसी खरीदनी है तो फिर ढंग से खरीद लेते हैं तो बात कर ले फिर कौन सी है प्लान है क्या है कितना कितने पैसे कितना सामेश जिसके पास मैं जाने से डर रहा था वहां पर एक पॉलिसी जाते ही बिक गई और अपने में आ गई अनर्जी यार ये बात जम सकती है मैंने सेम फार्मूला बीस लोगों को रात तक कह दिया कि मेरी ब्रांच में कंपटीशन है मेरा पोस्टल बार लगेगा आपकी हेल्प चाहिए किसी ने खरीद ली किसी ने छोटी किसी ने बड़ी किसी ने मुझे रेफरेंस दे दी कि यार मैं तो नहीं ले पाऊंगा तू मेरे दोस्त कुछ, दोस्त के पास चला जा बीस दिन यही कुछ करता रहा ब्रांच में नहीं जा पाया मैं रूरल एजेंट था मेरा जो ब्रांच थी मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर थी और मेरे पास कार नहीं थी टेक्नोलॉजी नहीं थी फ़ोन नहीं थे मोबाइल नहीं था तो रोज़ तो जा नहीं पाते थे हम ब्रांच में तो 20 दिनों के बाद मैं ब्रांच में गया बैग मेरे हाथ में है मैनेजर साहब का केबिन खोला कहते हाँ जी मैदान साहब मैं कह सर थोड़ा सा बिज़नेस डिपॉजिट करवाना है 30th नवंबर 1986 मैं कहा सर थोड़ा सा बिजनेस डिपॉजिट करवाना है कहते कितना मैं कहा सर 762 पॉलिसीज 762 पॉलिसीज सात सौ बासठ पॉलिसीज मेरे ब्रांच मैनेजर अपनी सीट पर खड़े हो गए हर कोई सफलता को सल्यूट करता है प्रणाम करता है मैं कहा सर अब बोलिए ब्रांच में सबसे ज्यादा काम है कि नहीं कहते ब्रांच की बात को भूल जा डिवीजन को भी भूल जा जोन को भूल जा पूरे इंडिया को भूल जा ये फिगर वर्ल्ड रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्नीस सौ छियासी सात पॉलिसीज़ आपके एक दोस्त ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया जिसको मैं समझ रहा था वन मानुष वो तो मेरा वहम था वो शंका थी मैंने कहा सर आगे तो सुनिए कहते चाय पिएगा पहली बार छह साल हो गए थे मुझे एजेंसी लिए हुए पहली बार मेरे ब्रांच मैनेजर ने चाय के साथ काजू वाली बर्फी मंगवाई थी मेरे लिए चाय आई कहते प्रीमियम कितना है उन दिनों में आप समझते हैं छोटी छोटी पॉलिसीज़ होती थी पच्चीस रुपए महीने का प्रीमियम ऐसी पॉलिसीज़ होती थी लेकिन पच्चीस रुपए निकलवाने भी इतने आसान नहीं थे तब उसकी भी कीमत थी मैंने कहा सर अराउंड ट्वेंटी फाइव लैक्स एंड ये और वर्ल्ड रिकॉर्ड था मैं कह सर आगे तो सुनिए मैं कह सामोर एक करोड़ तीस लाख और ये तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड ये ब्रांच के रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूं वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं कह सर एक और रह गया तो सब कुछ तो हो गया भाई नंबर ऑफ पॉलिसीज हो गई प्रीमियम हो गया सब हो गया अब क्या रह गया मैंने कहा सर इन सात सौ बासठ पॉलिसीडी थ्री पॉलिसीज केवल पुलिस वालों की हैं। और ये चार सौ तिरपन एक दिन में पुलिस वालों का एक दिन क्यों क्योंकि सारा बिजनेस एक ही दिन जमा हुआ था मैं बीस दिन तो जा नहीं पाया ब्रांच में आप ऐसे नहीं कीजिएगा आजकल वो जमाना नहीं है कोई लुढ़क गया तो फंस जाओगे चार सौ तिरपन पॉलिसी एक ही दिन में पुलिस वालों की ये भी वर्ड रिकॉर्ड था कितने साल हो गए? पहला रिकॉर्ड अगले महीने टूट गया दूसरा अगले महीने टूट गया तीसरा भी अगले महीने टूट गया और ये चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी आपके इस दोस्त के नाम कायम है लेकिन मैं आपको इन्वाइट करता हूं आइए बनाइए तोड़िए इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे होगी क्योंकि मैंने आपको अपने बच्चे माना है निकलिए बाहर और आज के सेमिनार में मैं केवल यहां पर अपनी बात सुनाने नहीं आया हूं केवल मोटिवेट करने नहीं आया हूं मैंने किया है आप भी कर सकते हो ले करना कैसे है यह तो बता वो मैं आपके साथ सीक्रेट शेयर करूंगा हुआ कैसे एंड आई प्रॉमिस 95% परसेंट ऑफ यू उनके लिए सीक्रेट्स बिल्कुल नए होंगे यह भी मेरा प्रॉमिस है चाहे आप किसी भी लेवल पे हो हमने उस लेवल को रेस करना है आज जब मुझे एजेंसी दी गई थी मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे कहते हैं तो मेरे डेवलपमेंट जो जो डेवलपमेंट ऑफिसर हमारे जान पहचान वाले थे वो मेरे पास आए कहते यार एक एजेंसी ले ले कितने पैसे पंद्रह रुपए लगेंगे लाइसेंस के तब मैंने सोचा कि यार जान पहचान वाला बंदा है अगर पंद्रह रुपए इसके ऊपर एहसान कर दे तो ये यहां से निपट जाएगा मैंने कहा ये लो पंद्रह रुपये फिफ्टीन रुपीज लीजिए फॉर्म भरना है मेरे फॉर्म भरवा लो मैंने सोचा कि आज मैंने एक एल के डिवेलपमेंट ऑफिसर को उसके ऊपर एक एहसान कर दिया है आज थर्टी थ्री ईयर्स के करीब करीब निकल गए इस बात को पीछे मुड़के देखता हूं तो एहसान मैंने उसके ऊपर नहीं किया था उसने मेरे ऊपर किया था एजेंसी देके। के अगर वो मुझे एजेंसी ना दे के गया होता तो मैं कहां होता मैं सोच भी नहीं सकता हूं वहां दुकान पे बैठा होता शायद वो तराजू लेके और जो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर थे उनको रिटायर हुए 15 इयर्स हो गए तो मैं उनकी एब्सेंस में उनको सल्यूट करने के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आज यहां बैठे हुए एस के पास कि वो प्लीज स्टेज पे आ जाए सभी एसबीएस ऑल एसबीएस प्लीज स्टेज पे आ जाएं एक सिंगल रो में खड़े हो जाएगी सिंगल रो में खड़े हो जाइएगा एहसान हम लोगों ने इन पर नहीं किया हुआ इन लोगों ने हमारे ऊपर किया हुआ है खड़े होके खड़े होके खड़े होके एक बार जाइए थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू गॉड ब्लेस यू भगवान आपको 20-20 करोड़ रुपए इनकम टैक्स लगाए <laughs> ज्यादा चाहिए होगा तो अगले सेमिनार बुला लेना दोबारा आप कितने लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं शायद आप अपना धंधा कर रहे हैं लेकिन हम जानते हैं कि आपके धंधे करने में ही कितने लोगों के घरों में उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है हो रहा है ना तो प्रेम से बोल दीजिए एक बार फिर बोल दीजिए शंका डाउट वहम ये इंसान को छत पर नहीं जाने देता ऊपर नहीं चढ़ने देता सब कुछ वही सेम एल आई सी सेम प्लान्स सेम प्रोडक्ट्स सेम कमीशन का स्ट्रक्चर सब कुछ सेम कोई लोग दो दो करोड़ रुपए साल का कमा लेते हैं कोई लोग साल के ट्वेल्व पॉलिसीज भी नहीं बेच पाते कि नहीं यार बहुत मुश्किल है इतना कंपटीशन, फर्क कहा है फर्क है आपकी अंदर की सुंदरता में आप अभी अंदर से आप अभी अंदर से उतने खूबसूरत नहीं हो पाए कि लोग आपके पास आए सक्सेस आपके पास आए कामयाबी आपके पास आए सफलता आपके पास आए अभी हम केवल बाहर से नहाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से ही अपने कपड़े बदलने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं झूठी मुस्कान फेक मुस्कान लड़ना थोड़ा यार प्यार से बोल रहे हैं लगता है लड़ाई करने आया हो लड़ाई लड़ाई ही है ये जंग ही है ये वॉर है बस जब किसी वॉर में किसी लड़ाई में बिना प्रिपेयर होके जाना इसका मतलब जीतने के लिए नहीं गए बरने के लिए गए हो कहते जी प्लान मैंने कल रात को डिस्कस कर रहा था कहते जी हमारे एजेंट्स करे भी क्या एल ने कई प्लान बंद कर दिए तो मैंने बोला भाई साहब दूध फटने से वही लोग घबराते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता अरे दूध फट गया पनीर बनाओ और महंगा बिकेगा नहीं आप क्या सोचते हैं कि किसी भी बिजनेस में कोई परेशानियां नहीं है दिक्कतें हैं अगर आप मंजिल जानते हो तो रास्ता तो कहीं ना कहीं से बना ही लोगे ना आप क्या सोचते हो गए मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है बड़ा मुश्किल है आज सुबह जल्दी अलार्म लगाना पड़ा आज सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग आठ बजे उठना पड़ा आठ बजे इतना आसान नहीं था अब क्या करूं काम करना है हम केवल उस शंका के कारण उस वहम के कारण उस परसेप्शन के कारण कि आज इसके पास नहीं जा सकते ये प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है या प्लान की प्रॉब्लम है मेरी टांग में प्रॉब्लम है मैं बीमार हूं मेरे घर में सब सही नहीं है मेरे पिताजी सही नहीं है मुझे घर अच्छा नहीं मिला मुझे परिवार अच्छा नहीं मिला मुझे माँ बाप अच्छे नहीं मिले मुझे बीवी अच्छी नहीं मिली एक दिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऐसे ही ऑडिटोरियम के मालिक होंगे ये मेरा आशीर्वाद है आपको अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं किसी को शुभकामनाएं है देते हैं तो अच्छा बोलिए कोई नहीं पता कि आप भगवान आपकी सुन ले और जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो बदले में वो क्या देता है वो शुक्रिया अदा करता है थैंक्स करता है मुस्कुराता है लेकिन हमारी जो मुस्कान है वो तो नकली है कहां मुस्कुराते हैं हम लोग एक्टिंग करते हैं एक्टिंग आपको मिलकर भयंकर प्रसन्नता हुई <laughs> सर गुड मॉर्निंग सर सर सेमिनार में हूं सर सर आपसे सैलरी लेते हैं तो आपका तो सर फोन उठाना ही है सर जी सर सर एक घंटे में फोन करता हूँ राइट right, सर थैंक यू वेरी मच सर सो नाइस ऑफ यू सो नाइस ऑफ यू गेस कर सकते हैं कि किसके साथ ऐसे बात होती है बॉस के साथ आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरी फेस एक्सप्रेशंस मेरी टोन ऑफ वॉइस से अंदाजा लगा लिया कि मैं बॉस के साथ बात कर रहा था एक और अंदाजा लगाइए हाँ जी रमेश जी अरे यार ओए तू नागपुर में मजा आएगा वो शाम को बैठते हैं यार उन्होंने नहीं पिंकी नहीं आई अरे अरे बात सुन सेमिनार में हूं ओ तेरी सुनता नहीं यार करता हूं फोन तुझे अच्छा ओके बाय बाय अब कौन था वो तार ऐसे लटक थे ऐसे ना नाला नारा लटक रहा है मेरा मगर लोग मेरे कोट की ओर को देख रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा था मैंने कोशिश की मैं मुझे याद था कि मैं जीप तो बंद करके आया हूं मुझे पहले बता देना यार कुछ भी ऐसा हो तो आदमियों के पास होता ही क्या है सो इज्जत गई वो भी लुट गई तो क्या रह जाएगा किसका फोन था दूसरा दोस्त का अगेन आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरे फेस एक्सप्रेशन मेरी टोन ऑफ वॉइस अंदाजा लगा लिया कि मैं दोस्त के साथ बात कर रहा था ना एक और कॉल गैस करना हेलो, हाँ बिजी हूं में बात कर लेना <laughs> कितनी जल्दी समझ गए कि वाइफ का फोन था क्योंकि यही आपका कैरेक्टर है यही आपकी पर्सनालिटी है बाहर से बाहर से हम मुस्कुराते हैं कितनी अच्छी शर्ट है ना वाह क्या मजा आ रहा है सर आपकी स्पेक्ट्स का फ्रेम रियली क्या है, क्या है। साड़ी कितनी सुंदर पहनी है, है। फैमिली में कभी किसी की तारीफ की है अच्छा वो भी घर नहीं होती है क्यों क्यों परिवार की बात कर रहा हूं क्यों परिवार की बात कर रहा हूं, हूं? केवल इसलिए कि अगर हमने फैमिली में मुस्कुरा लिया अगर हमने फैमिली में एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे कर लिए तो हमारी आदत हो जाएगी मुस्कुराने की आदत हो जाएगी और घर से बाहर आके हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि ये हमारा क्लाइंट है ये हमारा प्योन है ये मेरा ब्रांच मैनेजर है ये पानी पिलाने वाला है ये रिक्शा वाला है ये ठेला वाले है आप सबके साथ मुस्कुराओगे और जब सबके साथ मुस्कुराओगे तो लोग आपके नजदीक आएंगे जब लोग आपके नजदीक आएंगे तो कामयाबी आपके पैर चूमेगी शुरू घर से करो आपको प्लान प्रोडक्ट्स का नॉलेज कम है चल सकता है आपके सामने कन्फेस करता हूं कि मैं प्रोडक्ट्स एंड प्लान नहीं जानता था आज भी नहीं जानता हूं मुझे मैं कसम खाता हूं अपने धंधे की मुझे नहीं पता डेबिट एंड क्रेडिट में फर्क क्या होता है करना क्या पता करके लाखों आ रहे हैं लाखों खर्च रहे हैं ऑल यार नहीं जानता हूं सच में नहीं जानता हूं इंग्लिश सीखी नहीं वैसे इंग्लिश सीखनी पड़ती भी नहीं है वो सिक्सटी एम काफी होता है या यप, यप। हिंदी क ख ग क कमा लो खर्च खर लो गहना बना लो और कुछ बच गया तो घर बना लो सीखा केवल इतना कि अगर मैं अच्छा सेल्समैन ना भी बन पाऊं तो लोग तब भी मेरे से खरीदें। और यही यहां करने वाला हूं मैं आपको अच्छा सेल्समैन नहीं बना सकता हूं छोटा मोह बड़ी बात ऐसे आइडियाज़ दे दूंगा कि आप एक अच्छे इंसान बन जाओ बस लोग हैं खरीदने के लिए कि मैंने तेरे से खरीदना है तू बता कौन सा प्लान आप बोलते हो मैं नहीं जानता अरे कोई बात नहीं तू तो अपने एसबीए से पूछ ले उससे पूछ के बता दे लेकिन मैंने तेरे से ही खरीदना है अरे तू मेरे साथ मुस्कुराता तो है मेरे घर में कम से कम आके मेरी बीवी मेरी बच्ची सबको इज्जत तो करता है अरे लोग आते हैं लोग मेरे से पॉलिसी ले जाते हैं और जाके ब्रांच में बोलते हैं आज एक मुर्गा काट लिया यार यस आई मीन इट यहां पर हम बात करते हैं ग्राहक भगवान का रूप होता है जानते हैं सब लोग और जानते हैं बोलो यार आहो जानते हैं ग्राहक भगवान का रूप होता है तो मानते भी है कि नहीं जानना जानना है मानना मानना है बिना मानने के ग्राहक का रूप ग्राहक भगवान का रूप नहीं होता है इसके ऊपर और बात करते हैं पहले थोड़ा सा वापस जाना चाहता हूं बिजनेस की ओर लेकिन मेरे इंस्ट्रक्शंस के आज से जैसे ही घर में जाओ अंदर से दिल से मुस्कुराओ मेरा नाम टी एस मदान मदान तो मेरे घर में बहुत है सभी मदान ही है मेरे घर में टीएस एक ही है और आप सब टी एस बन जाओ टी एस का फुल फॉर्म होता है टोटल स्माइल टोटल सक्सेस ट्रबल शूटर पिंकी कुछ और बोलती है टोटल एस से कुछ बोलती है नहीं मैंने नहीं बोलना वो यहां पर कुछ और ही है. अच्छा वर्ड नहीं है वो अभी नई फिल्म आ गई यार टीएस, एस टोटल सियापा सियापा प्योर पंजाबी का वर्ड है ये मेरे पास एक पिटारी है पिटारी समझते हैं आप हाँ? जिसमें से सांप निकलते हैं इस पिटारी का जो रहस्य है इसने मुझे कामयाब किया है आज तक कर रही है और आपके साथ ये शेयर कर लूंगा मैं कि इसमें ऐसा क्या है जो एक इंसान को कामयाब कर सकता है अराउंड 42 इयर्स पहले जब मैं थर्टीन इयर्स का था मेरी एज नहीं पूछिएगा प्लीज शरद भाई फोर्टी टू ईयर्स पहले जब मैं थर्टीन इयर्स का था तो पहली बार मुंबई गया था वहां मेरे अंकल रहते थे चाचा जी बहुत अमीर बहुत अमीर उन दिनों में बॉम्बे में 25 करोड़ का बंगलोर 25 करोड़ का घर चार माले ग्राउंड फ्लोर खुद रहते थे फर्स्ट फ्लोर उनकी फैमिली सेकंड फ्लोर एक जिम बना हुआ था मॉडर्न जिम थर्ड फ्लोर पे गेस्ट हम जैसे लोग एंड फोर्थ फ्लोर पे उनके सर्वेंट्स हाथ में सोने के कंगन गले में सोने की चेन इंपोर्टेड क्रॉकरी और बाहर लंबी लंबी गाड़ियां मेरे चाचा जी मेरे पिताजी के छोटे ब्रदर सोच लिया कि जिंदगी में ऐसा ही अमीर बनना है वापस अपने घर आया अपने पापा से बोला पापा आपके भाई जितना अमीर बनना है कहते बन जाएगा बेटा पहले पढ़ाई तो कंप्लीट कर ले पढ़ाई कंप्लीट हो गई मैंने कहा बोलिए कहते बेटा शादी तो कर ले शादी हो गई मैंने कहा बोलिए कहते बच्चे तो पैदा कर ले अब बच्चे पैदा हो गए मैंने कहा बोलिए कहते दुकान पर आके बैठ जा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं ज्यादा उड़ने की बातें नहीं करते हैं अपने हद में रहा करो परेशान हो गया मैं वापस गया बॉम्बे चाचा जी के पास वहां गया तो मेरे चाचा जी वो घर छोड़ चुके थे बहुत दूर एक छोटे से घर में रहते थे मैं उनके पास गया वो हाथ में सोना गायब था गले में चेन गायब थी बाहर कार नहीं थी इंपोर्टेड क्रॉकरी नहीं थी तो मैंने कहा चाचा जी ये सब कैसे हो गया कहते हैं मैंने सब कुछ छोड़ दिया कहते हैं मेरा मन भर गया था मन भर गया समझते हैं आप दिल उब गया कहते मेरा मन भर गया था मेरा दिल उब गया था पैसे से मैंने पैसे को छोड़ दिया त्याग दिया कार से मन भर गया था कार को त्याग दिया सोने से मन भर गया था सोना त्याग दिया पैसे से अमीरी से मन भर गया था मैंने पैसे को मैंने अमीरी को त्याग दिया मैंने कहा चाचा जी आप मेरे आदर्श हो अगर आप त्याग सकते हो तो मैं भी आज से त्याग का ऐलान करता हूं तो चाचा जी कहते हैं बेटा तेरे पास है क्या त्यागने के लिए कहते मेरे पास तो पैसा था बंगलों था कारें थी गाड़ी थी अमीरी थी तेरे पास क्या है त्यागने के लिए मैंने कहा चाचा जी आपके पास अमीरी थी आपने अमीरी को त्याग दिया मेरे पास गरीबी है मैं गरीबी के त्यागने का ऐलान करता हूं अमीरी त्यागनी मुश्किल नहीं है सोना फेंक दीजिए पैसा फेंक दीजिए कारें छोड़ दीजिए अमीरी त्यागी जा सकती है लेकिन गरीबी त्यागने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है आपको जूझना पड़ता है आपको दिन रात जागना पड़ता है आपको मरना पड़ता है आपको परिवार में कई कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं आपको संडे छोड़ने पड़ते हैं आपको त्यौहार छोड़ने पड़ते हैं आपको होली दिवाली बैसाखी छोड़नी पड़ती है ऐसा गरीबी ऐसी असफलता को आप त्यागने के लिए तैयार हो कई लोग सोचते हैं अरे हम तो पहले से ही अमीर हैं है ना तू क्या सिखाएगा जानता हूं सबकी अमीरी रेस्टोरेंट में जाते हो लेफ्ट साइड का देखते नहीं हो राइट साइड देखते हो दाल खानी है इधर केवल रेट पढ़ना है रेट सेब क्या भाव दो सौ रुपए किलो अच्छा रहने दे अगर अपनी मर्जी का फल भी नहीं खरीद सकते अमीर खा को क्या पिंकी के साथ जाता था शॉपिंग करने के लिए वो देखती थी साड़ी साड़ी का प्रिंट साड़ी का फैब्रिक, साड़ी का कलर और मैं देखता था साड़ी पर लगा हुआ रेट का टैग अगर आप सब ऐसी गरीबी असफलता का त्याग करने के लिए तैयार हो तो नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स जब तक मैं नहीं बोलूं आप सबने खड़े होके अपना ध्यान उस ऊपर वाले के साथ जिस को आप मानते हो अल्लाह भगवान गॉड क्राइस्ट गुरु जिसको भी मानते हो उसके साथ वो ध्यान लगा के पूरा शोर करना है पूरी ताली करनी है पूरी विसलिंग करनी है हूटिंग करनी है ये छत गिर जाए ये दीवारें गिर जाए ये कुर्सियां गिर जाए कोई चिंता नहीं करनी है हमारे पीछे आइसबाफ फोरम है एक नया हॉल बना लेंगे यार दे दोगे ना पैसे इतने चिंता ही कोई नहीं है लेकिन हमने कामयाब होना है हमारे बच्चों ने नहीं सुनना कि मैं इसलिए मार्च में फेल हो गया क्योंकि मेरे तीन दिन तो होली में निकल गए यार नहीं सुनेगा हमारा परिवार आपकी बुरा नहीं मानिएगा बुरा नहीं मानिएगा बुरा नहीं मानिएगा इन बातों को मैं संत हूं लेकिन पैसा कमाने वाला कहां कहा, कहा, निकलता है बिना पैसे के कुछ भी बच्चा पैदा हुआ सबसे पहले खर्चा शुरू पेट को कुछ चाहिए खाने के लिए या मां देगी या बाप देगा अगर मां बाप नहीं भी रहे तो नाना नानू देगे अगर वो भी नहीं रहे तो अनाथालय देगा लेकिन बच्चे को खाना तो चाहिए कपड़ा शरीर को ढकने के लिए चाहिए चाहे मां बाप दे चाहे नाना नानू दे चाहे अनाथालय दे रहने के लिए छत तो चाहिए चाहे कोई भी दे कहा हम कह सकते हैं कि पैसा नहीं कमाना ये केवल वही लोग कहते हैं कि पैसा नहीं कमाना चाहिए जो लोग पैसा कमा नहीं सकते हैं फेल हो गए नहीं यार पैसा बहुत बुरी चीज है मजे लो यार एंजॉय करो लाइफ को अरे हम भी तो एंजॉय करते हैं एंजॉय नहीं कर रहे पैसा आने से आपकी एंजॉयमेंट बढ़ जाती है एक दिवाली छोड़ दी पैसा कमाने के चक्कर में अरे बीस दिवाली खुल के सेलिब्रेट करते हैं हम उसके बाद। नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स आप लोगों ने खड़े होकर ताली बजानी है शोर करना है हुटिंग करनी है और मैं दावे से कह सकता हूं उन से, उन कुछ सेकंड्स में जब तक मैं नहीं कहूंगा आप जितना पॉजिटिव सोचते जाएंगे उतनी वाइब्रेशंस पॉजिटिव वहां से आती जाएंगी आपके पास और ये फेलियर ये असफलता ये नाकामयाबी ये वर्ड्स हम लोगों की डिक्शनरी में नहीं है हम नहीं जानते हैं जरूरी नहीं कि आप यहां से सोच के गए कि आपने सौ पॉलिसीज बेचनी है तो सौ बिकेंगी अरे 95 बिक जाएंगी ना 90 बिक जाएंगी 80 बिक जाएंगी 70 बिक जाएंगी अरे घर से बाहर नहीं निकले तो कितनी बिकेंगी बड़ा सा जीरो उसके बाद कह लेना मैं काम बहुत कर सकता हूं वैसे जान पहचान मेरी बहुत है कोई नहीं सुनेगा आपके अपना परिवार नहीं सुनेगा तो जैसे ही मैं यहां पर विसल करूंगा ट्रेनर हूं ना ट्रेनर के पास विसल होती है बिना विसल के ट्रेनर देखा कभी आपने मैं विसल करूंगा सब लोग खड़े हो जाना ये कैमरास वाले अपने कैमरे को बचा लो ये नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स हमारी लाइफ को चेंज करने वाले हैं हम उस असफलता का त्याग करने वाले हैं हम उस नाकामयाबी का त्याग करने वाले हैं जहां पर हम अपनी मां बाप को उनकी मर्जी का गिफ्ट भी नहीं दे सकते जहां पर अपनी बीवी को अपने हस्बैंड को उसकी मर्जी का गिफ्ट नहीं दे सकते बच्चों के बारे में सपना तो लिया इनको पढ़ाएंगे बहुत बड़े स्कूल में लेकिन कंप्रोमाइज कर लिया कंप्रोमाइज कर लिया नहीं नहीं यार बड़े स्कूल में नहीं भेजना बच्चे खराब हो जाते हैं है? अंदर से क्या चल रहा है कि हे भगवान तूने मेरे पड़ोसी को तो अमीर बना दिया मेरे साथ तेरी क्या दुश्मनी थी पड़ोसी को शहीदी का मेडल मिला क्यों मिला क्योंकि वो शहीद हुआ आप तो घर में बैठे हो शहीदी का मेडल कैसे मिल सकता है प्रेम से बोल दीजिए एक बार जोर से तो मेरी मिसल पर खड़े होके पूरा शोर पूरी हुटिंग पूरी विसलिंग

Hey, hey! Hey, hey! Oh, no, no, no. Hey, hey! Hey, hey! Oh, no, no. Hey, hey! Hey, oh, no. hey! Oh, no. थोड़ा पानी चाहिए यार ये बॉटल मैंने सुबह देखी है नहीं मैंने देखी और रेलवे लाइन पे लोग लेके घूम रहे थे ऐसे वो होता तो नहीं है हो जाओ सेटल हो जाओ जल्दी से जल्दी सेटल हो जाओ नींद तो खुल गई जो बाहर की आग होती है ना बाहर की आग उसको तो कोई भी बुझा सकता है कोई हवा बुझा सकती है कोई पड़ोसी बुझा सकता है आपके परिवार के लोग भी बुझा सकते हैं लेकिन जो अंदर की आग है ना जो अंदर की आग है उसे त, वो तभी बुझेगी अगर आप खुद उसे बुझाओगे तो उसको और कोई बाहर का नहीं बुझा सकता इस अंदर की आग को कभी बुझने ना देना काम आपके पीछे पीछे आएगा यार कुछ अलग से प्यार हो गया है नागपुर डिवीज़न के साथ सच में दिल से मज़ा आ रहा है कुछ बहुत अच्छे लोग मिले हैं यकीन मानिए है अगर मैं टोटल सेमिनार्स को गिनूं अपने अगर मैं तुक्का लगाऊं पक्का गिन नहीं सकता इस समय लेकिन टॉप टेन सेमिनार्स की जो क्वालिटी ऑडियंस होती है उन टॉप सेन सेमि सेमिनार्स की क्वालिटी ऑडियंस आज मुझे मिली है सच में सच में यार, सच में दिल से यस सच में मजा आया यार आज तो मैंने बोलते रहना है सुनते रहोगे कोई चिंता नहीं यार वादो नहीं यार चलो अब थांबा <laughs> अरे भाई साहब को पानी तो यार जल्दी से अरे पानी पीने के बाद आपकी पेट की प्यास बुझनी चाहिए ये जो अंदर आग लगी ये नहीं बुझनी चाहिए ये आग लगी रहने देना मुस्कुराते रहो यार पहली बार कोई भी काम मुश्किल होता है पहली बार मुस्कुराना मुश्किल लगता है जब आप रोज मुस्कुराओगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा फिर और आसान हो जाएगा फिर और आसान हो जाएगा और उसके बाद बन जाएगी आपकी आदत पहली बार कुछ भी मुश्किल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मुश्किल होता है दिक्कत देता है सुबह जल्दी उठना दिक्कत देता है ये जो कामयाबी जो 20 दिन जिनों में मैंने काम किया था आई स्टिल रिमेंबर मुझे आज भी याद है दस नवंबर को जो पहला शब्द घर जाके मैंने पिंकी को बोला था पिंकी मुझे बीस दिनों के लिए तेरे से डायवोर्स चाहिए बीस दिनों के लिए भूल जा और मजे की बात देखिए सताइस वर्ष पहले जो बीस दिन लगाए थे आज भी उन बीस दिनों का रिजल्ट खा रहा हूं आज भी खा रहा हूं रिजल्ट उसका मेहनत और मुलाकात मेहनत समझते हैं आप सब हार्ड वर्क मुलाकात मींस मीटिंग किसी को मिलना मेहनत और मुलाकात कभी व्यर्थ नहीं जाती है तारी नहीं बजती यहां पर था कई बार समय नहीं लगती भाषा की मेहनत और मुलाकात कभी वेस्ट नहीं जा। ये शायरी नहीं थी खत्म हो गई थी आप इंतजार करें इसके बाद कुछ और आएगा ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं किया था मैंने जो मेरी एक नजर थी जो मेरा एक वहम था जो मेरी एक शंका थी कि भी मैं अक्टूबर में काम कर चुका हूं नवंबर में किसके पास जाऊंगा वो शंका को जैसे ही मैंने हटाया नजर बदली तो नजारे बदल गए सोच बदली सितारे बदल गए अरे किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे बेटियों और मेरे बेटो आगे बोल दो क्या है दिशाएं बदलो तो किनारे बदल जाएंगे आज के बाद अपने परिवार से शुरू करो जैसे ही अपने घर में जाओ जाते ही पहले मुस्कुराओ जो भी सामने है आपकी बीवी आपके हस्बैंड आपके बच्चे आपके मदर फादर चाचा चाची जो भी भाई भाभी उनके साथ मुस्कुराओ और देखो ऐसा क्या है जहां पर प्रशंसा की जा सकती है कुछ तो अच्छा होगा झूठ नहीं बोलना है झूठ पकड़ा जाएगा देखो क्या अच्छा है ड्रेस अच्छी है हेयर स्टाइल अच्छा है स्माइल अच्छी है खाना अच्छा बना है सफाई अच्छी है जो भी आपको अच्छा लगे वहां पर तारीफ कर दो शरद भाई मेरी आवाज बीच बीच में कई बार सलमान खान जैसी नहीं हो जाती वो कहते मैं झूठ नहीं बोल सकता <laughs> सनी डेवल, वो तो चेहरा वैसा है सारे सरदार एक जैसे होते हैं <laughs> एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर अपने आप की नहीं सुनता हूं दो बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो अपने बाप की नहीं सुनता हूं और तीन बार कमिटमेंट कर ली तो लोग मेरी नहीं सुनते यार ठोको ताली आज के बाद वो वहम खत्म वो शंका खत्म वो बन मानुष नहीं है वो आपके मन का वहम है आपने बस केवल चलना है जो चल के कामयाब नहीं हो पाया उसको लोग बुरी नजर से नहीं देखते हैं लेकिन जो घर से चला ही नहीं उसको तो उसके बच्चे भी सलाम नहीं करते हैं आपने कोशिश की पॉलिसी नहीं बेच पाए तो पाप नहीं है क्राइम नहीं है लेकिन आपने पॉलिसी बेचने की कोशिश ही नहीं की इससे बड़ा पाप आपके लिए और कोई नहीं है क्योंकि यह हमारा धर्म है यह हमारा मजहब है मैं नहीं जानता हूं इसके अलावा और कोई धर्म मैं केवल इतना ही जानता हूं काम से बड़ी पूजा कोई नहीं है वर्क इज वर्शिप आप लोगों ने पढ़ लिया था स्कूल में दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो एक एल एजेंट को इनकार कर सके वो एटीट्यूड वो प्राइड की फीलिंग ईगो नहीं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर प्राइड कि ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो मुझे इनकार कर सके बोल सकते हो मेरे पीछे ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो मुझे इनकार कर सके तो इनकार ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो मुझे इनकार कर सके तो इनकार इस थर्टी फर्स्ट मार्च को एक नया इतिहास रचेंगे मेरे अपने परिवार के लोग हमें सल्यूट करेंगे तो कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में कोई मंदी, कोई मंदी की लहर नहीं है जो मैं बेचना चाहता हूं वो बिकेगा और यस बिकता है हम तो केवल बैठे हैं कि यार सीखा था ना चालीस जनरेशन पहले किसी ने कह दिया कि जो खीरा होता है ककंबर उसको एक साइड से काट के ऐसे ऐसे करना होता है कड़वापन हट जाता है किसी जनरेशन ने ट्राई नहीं किया उसकाटने के बिना रगड़ने के बिना खा लिया जाए अब ट्राई करो कड़वा नहीं होता है वो सुना था वैसा ही चल रहा है सुने सुनी बातों पर नहीं जाइए बहुत कुछ हो सकता है मेरा एक ट्रेनर है मैं आपसे मिलवाता हूं पॉकेट में रखता हूं अपने ट्रेनर्स को मैं ये क्या है ये क्या बोलते हैं डाइस इसमें विनिंग नंबर कौन सा होता है सिक्स और पूरी डाइस में सिक्स एक ही होता है एक ही है फाइन डाइस में विनिंग नंबर है सिक्स एक ही साइड पे है बाकी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आने के बाद उन नंबर्स की भी वैल्यू है लेकिन सिक्स आने से पहले उन नंबर्स की वैल्यू नहीं है और अगर हम खेलना शुरू करें कोई एक आए आप आइए आप आइए कोई आज हाँ आप ही आ जाइए आप खेलेंगे जो इधर ना गिरे बस यहां तो हां फेंकी ध्यान से प्यार से वन और चलिए फाइव आया अभी ओके टू आगे थ्री और फोर फोर टाइम सिक्स आ गया एक्सेलेंट एक्सेलेंट थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच कोई और आएगा आप आइए आप आइए खेलिए वन ओके टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ टाइम सिक्स आ गया एक्सेलेंट एक्सेलेंट के लिए भी ताली लेडीज में से कोई कोई एक लेडीज में से कोई आई एक आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप भी आओ आप भी आ जाओ अभी तो गेम दो लोगों ने खेलनी है वन फर्स्ट टाइम सिक्स आ गया एक्सेलेंट एक्सेलेंट आइए जी वन फिर फर्स्ट टाइम सिक्स आ गए एक्सेलेंट एक्सिलेंट गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू मैंने आप लोगों को बेटी माना है बेटी पाओं को हाथ नहीं लगाती है मैंने ऐसा सुना है अब देखिए इसकी स्टोरी मैं अपनी पॉकेट में रखता हूं जब मैं इंश्योरेंस बेचता था तब भी इसको पॉकेट में रखता था अब आप पूछोगे मैंने मैं डेवलपमेंट ऑफिसर क्यों बन गया एजेंट क्यों नहीं रहा इतने रिकॉर्ड बनाने के बाद भी मैं स्पीकर एंड ट्रेनर पहले बना था एल की एजेंसी बाद में ली थी ट्रेनिंग मेरा पैशन था मेरा शौक था तो मैंने बात की अपने बीएम साहब से कि मुझे ट्रेनिंग देनी है तब उन्होंने कहा कि अगर ट्रेनर बनना है तो डेवलपमेंट ऑफिसर बन जा डेवलपमेंट ऑफिसर बन के आप बुरा नहीं मानिएगा आगे बैठे हुए मेरी इनकम कम हो गई थी एजेंसी से मतलब जितने पैसे मैं एजेंट ऐसे एजेंट कमा लेता था उतने पैसे मेरे पास नहीं आ पाए लेकिन मुझे पता भी नहीं था एनी बन गया तो मैंने फिर एजेंट्स को रिक्रूट करना शुरू किया उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की छह साल पांच साल में साढ़े पांच साल के करीब डेवलपमेंट ऑफिसर रहा उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक ही ग्रुप में सिमट गया हूं 1990 में मेरे पास 143 एजेंट्स की टीम थी 1990 में 143 एजेंट्स मैंने अपने सीनियर डिविजन मैनेजर को बोला सर मुझे आप बिजनेस डेवलपमेंट से निकाल के ट्रेनिंग में डाल दीजिए ट्रेनिंग अपने रूह में है अपनी आत्मा में है कहते ये नहीं हो सकता अब इतना बड़ा प्रोड्यूसर उसको कैसे छोड़ दें वो कहते ये नहीं हो सकता मैं कहा सर आप बाहर के ट्रेनर्स बुला लेते हो अपने ट्रेनर्स को चांस दो कहते बाहर के ट्रेनर्स को बुलाना हमारी पॉलिसी है और मैं पागल बंदा पेपर लिया उन्हीं से ब्लैंक पेपर उस पर लिख दिया आई हियर बाय रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर मैं कहा सर मैं बाहर का हो गया अब तो बुलाओ और मुझे सेंट्रल ऑफिस से बॉम्बे से फोन आया कि टीएस मदान आप बहुत गलत कर रहे हो अपने लिए भी गलत कर रहे हो को घर में इंसेंटिव आता था अपने लिए भी गलत कर रहे हो और एल के लिए भी गलत कर रहे हो नुकसान कर रहे हो तो मैंने उसमें कहा था सर मैं डेवलपमेंट ऑफिसर की पोजीशन छोड़ रहा हूं एल नहीं छोड़ रहा हूं एक टीएस मदान जा रहा है वादा करता हूं दस हजार टीएस पैदा कर दूंगा और तब से लेकर अब तक उसी अपने वादे को निभा रहा हूं मेरा काम है बरसना बादल हूं मेरा काम है बरसना 600 लोगों के ऊपर बरस रहा हूं कुछ लोग बरसात के पानी को समेट लेते हैं कप में प्लेट में कुछ लोग केवल नहा के चले जाते हैं जो समेट लेते हैं वो जिंदगी में दोबारा जरूरत पड़ने पर उस पानी का इस्तेमाल करते हैं और जो नहा के चले जाते हैं वो समझते है यार आज मजा आ गया आज एस बी एस ने ना एक बढ़िया सा सरदार पकड़ लाया यार तीन घंटे अपने पास हो गए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है नहा के नहीं जाइएगा पानी को समेट के लेके जाइएगा तो आज से जैसे ही अपने घर में जाओ अरे यार इस गेम को तो भूल ही गया मैं ये था क्या क्यों तो खेला इसमें विनिंग नंबर सिक्स है लेकिन सिक्स है ऐसा नहीं कि है नहीं इसी डाइस में सिक्स है लेकिन जरूरी नहीं कि पहली बार में आ जाए बहुत ध्यान से सुनना इस बात को इसी पासे में सिक्स है लेकिन जरूरी नहीं कि पहली बार में ही आ जाए वो दूसरी बार में आ सकता है पहली में भी आ सकता है दूसरी में आ सकता है तीसरी में आ सकता है चौथी पांचवी दसवीं बीसवीं पचासवीं सौवीं किसी बारी में आ सकता है लेकिन आएगा जरूर सफलता हमारे पास है हमारा प्रोस्पेक्ट हमें हा करेगा जरूरी नहीं पहली बार में कर दे दूसरी बार में कर सकता है तीसरी में, चौथी में पांचवी में दसवीं बीसवीं पचासवीं सौवी लेकिन करेगा जरूर, जरूर। कोई ऐसी सिचुएशन है इस तरफ पूछता हूं मैं। कोई ऐसी सिचुएशन इसमें कभी भी ना आए? अगर मैं गिर गया ना, तो आप बोलोगे गिरा हुआ इंसान है यार अच्छा लग रहा नजदीक आने से स्टेज यहां तक होनी चाहिए वैसे कोई ऐसी सिचुएशन कभी सिक्स आए ना जब आप इसको नहीं फेंकोगे तो अगर आप फेंकते हो सिक्स जरूर आएगा केवल एक ही सिचुएशन है कि अगर आप इसे फेंकना बंद कर दो तो सिक्स नहीं आएगा अगर आप घर से बाहर निकलते हो कोशिश करते हो तो सफलता मिलती है पहली में मिले दूसरी में मिले दसवीं मिले लेकिन अगर आप निकलते ही नहीं हो सफलता नहीं मिलेगी इसलिए आपने कोशिश करनी है सच्ची में लग रहा है जैसे मॉडलिंग कर रहा हूं मैं माय डेयर सन्स माई डॉटर्स एक बार प्रेम से बोल दीजिए एक्सेलेंट एक्सिलेंट तो आज के बाद हमारे लिए आज से इसी समय से हमारी एक नई लाइफ शुरू होने वाली है हम शुरू करेंगे अपने परिवार के साथ और अपने समाज के साथ अपने व्यापार के साथ यहां से बाहर निकलने के बाद जो पहला काम आपका है वो आप अपने घर में नहीं जाओगे सीधा घर में नहीं पहुंचोगे अपने अपने गांव में अपने अपने शहर में जाइए अपनी फैमिली के पास रात को जाएंगे आप 10-11 बजे के बाद किसी से भी मिलिए अगर नहीं मिल सकते किसी चाय वाले के पास बैठ के चाय पी लीजिए मंदिर में चले जाइए मस्जिद में चले जाइए कंपनी गार्डन में चले जाइए रेलवे स्टेशन चले जाइए घर में नहीं जाइएगा रात से पहले क्योंकि अगर बाहर रहेंगे ना तो कोई ना कोई आपको दिखाई देगा ओरे यार इसको तो कभी बोला ही नहीं मैंने है? देगा ना पेट्रोल डलवाया वो कौन सी होती है वो स्कूटर बाइक ओ भैया फुल कर दे और साथ में लंबी गाड़ी वाला खड़ा है कहता तीस लीटर उसको पूछता सर आपकी गाड़ी फुल कर दू नहीं नहीं तीस लीटर मेरी तो फुल कर और पेट्रोल पंप वाले से कभी बोला ही नहीं कि आप लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट हो। मैं दावे से कह सकता हूं सत्तर परसेंट आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका पेट्रोल डालने वाला जानता भी नहीं है कि आप एल के एजेंट हो आपका करियाने वाला नहीं जानता आपका अपना पड़ोसी भी शायद मुश्किल से कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि आप क्योंकि आपको वो झिझक आती है बैग लेके जाऊंगा सर मैं एल एजेंट हूँ क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा इसकी बाप की दुकान है ये किस काम में पड़ गया यार घर घर जाता है जब मैं निकला रहा था बैग लेके ऐसे मेरे साथ हुआ था मैं गया जीजू एल की एजेंसी ले ली मैंने कहता तो जी और कोई काम नहीं मिला अब तो बस लोगों के पास जाना और यही कुछ करते न लोग धिक्के मारते हैं घर से निकाल देते हैं तुझे पता नहीं है इस बात का एल एजेंट की इज्जत नहीं होती है मैं बहुत घरों में गया मुझे लोगों ने धिक्के दिए यस लोगों ने मेरी टाई खींच ली लोगों ने मेरा कोट निकाल दिया लोगों ने मुझे छत से गिरा दिया कि दोबारा मेरे घर में नहीं आना और मैंने बाहर निकल के कपड़े झाड़े कहा सर मजाक बहुत हो गया अब इंश्योरेंस की बात कर लें बेइज्जती इंसल्ट तभी होती है अगर हम मानते हैं तो हम मानते ही नहीं हमारा नाक कोई नहीं है भाई साहब जिस दिन हमारे पास पैसे होते हैं ना वही धंधा अच्छा लगता है जब पैसे नहीं है ना आप इंडस्ट्री के मालिक हो एयरलाइंस के मालिक हो अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी लोग गाली निकालते हैं है ना और आप बड़ा पाव बेचते हो और अमीर हो तो लोग आपके बेटे के साथ अपनी लड़की के की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जादू मैजिक करिश्मा तो आपका पेट्रोल वाला आपका करियाने वाला आपका सिफाई वाला आपका दूध वाला आपका पड़ोसी बता दो उनको मेरे जीजू कहते कौन सा काम पकड़ लिया दो तीन बार परेशान हुआ मैं कि यार गलत काम में फंस तो नहीं गए कहीं तो एक बार क्योंकि मैं ट्रेनर था तो मेरा दिमाग अलग से चलता था नहीं दिमाग तो है ही नहीं क्या, दिल अलग से चलता था तो मैंने एक बार सुबह सो रहा हूं तो मेरे घर से बाहर से खिड़की के बाहर से गली से कुछ आवाजें आई कुत्तों के भौंकने की चार बजे के करीब तो मैं जैसे ही खिड़की से बाहर देखा तो मैंने देखा एक कचरा उठाने वाली कचरा इकट्ठा कर रही है और कुछ तीन चार कुत्ते भौंक रहे हैं मैंने देखना शुरू किया कि यार देखते हैं ये कचरा उठाने वाली अब क्या करती है ऑब्जर्व करते हैं उसके हाथ में छड़ी थी एक हाथ में बोरी थी अब बोरी बोलते हैं ना उसे जिसमें कचरा डाला जाता है तो एक हाथ में बोरी थी एक हाथ में छड़ी थी यार मैं इसलिए कंफर्म कर लेता हूं आपसे क्योंकि पहले मैं भुगत चुका हूं ये लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है ना ऑलरेडी भुगत चुका हूं मुझे बहुत परेशानी हुई थी मैंने अपने पड़ोसियों को कहा था भाई क्योंकि सुबह बहुत जल्दी थी मेरी मुझे तो मैं उसके पास गया था मैंने कहा तेरे पास वो स्त्री है और वो कहता था तेरे पास अपनी नहीं है क्या मेरी मांगने आ गया कल को सारा मोहल्ला आ जाएगा मांगने और मैंने कहा यार पता नहीं मेरी स्त्री करंट मारती है यार मेरी को हाथ लगा ले वो भी मारेगी इसलिए पहले पूछ लेता हूं मैं कि आप हिंदी में दिक्कत तो ना आ जाए कहीं पर एक हाथ में बोरी एक हाथ में छड़ी वो डॉग्स को डरा रही है कागज एक इकट्ठे एक किए कचरा इकट्ठा किया मेरी गली से बाहर निकल गई दूसरी गली में पहुंच गई और मैंने देखा कि जो हमारी गली के जो कुत्ते थे ना वो नहीं गए वो वही रुक गए वही से भोंक रहे हैं पाँग 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 पाँग। लेकिन उस गली में तीन चार और कुत्ते थे उन्होंने भोंकना शुरू कर दिया वहां भी उसने कागज इकट्ठे किए तीसरी गली में तीसरी गली में तीसरी गली के नए कुत्ते थे दूसरी गली के नहीं आए चौथी गली पांचवी गली छठी गली दसवीं गली दस गलियां घूम ली दस गलियां घूमने के बाद इतना कचरा इकट्ठा कर लिया कि पांच सौ रुपया कमा लिया और भोंकने वाले भोंकते रह गए उस कचरा उठाने वाली को मैं अपना ट्रेनर मानता हूं ट्रेनर है मेरी कितनी बड़ी फिलॉसफी मुझे दे गई बुरा ये वर्ड्स मैंने गलत इस्तेमाल किए भौंकने वाले लेकिन समझाने के लिए लोग कहेंगे आपको अगर नहीं अच्छा लगता तो छोड़ दो इसलिए छोड़ रहे हो कि लोग कह रहे हैं तो वो तो हर जगह कहेंगे जो काम करोगे उसमें भी कहेंगे कुर्ता पजामा पहन लो तब भी कहेंगे लुंगी पहन लो तब भी कहेंगे सूट पहन लो तब भी कहेंगे डिफरेंट लोग है ना इस गली के लोग नहीं कहेंगे तो इस गली के कहेंगे किस किस से बचोगे काम करो पैसा पा, पा, पास में है ना पैसा पास में है जब भगवान हुस्न देता है ना तो नजाकत आ ही जाती है जब भगवान हुस्न देता है ना तो नज़ाकत आ ही जाती है अब बारी है किया कैसे चले उस पर भी मुझे मेरा पड़ोसी कहता है कि तू तो महंगी घड़ी क्यों पहनता है मैं क्योंकि पैसे कमाता हूं इसलिए महंगी पहनता हूं कहता है टाइम तो वही दिखाती है वो तेरी घड़ी जो टाइम दिखाती है मेरी सौ रुपए वाली घड़ी वही टाइम दिखाती है मैं कह ऐसा नहीं है मेरी घड़ी मेरा टाइम दिखाती है तेरी घड़ी तेरा टाइम दिखाती है मेरा समय कैसा चल रहा है वो मेरी घड़ी दिखाती है और तेरा समय कैसा चल रहा है वो तेरी घड़ी दिखाती है इन अठारह दिनों में मुझे बाकी का नहीं पता जो आप सीख रहे हो आज जो हम बातें कर रहे हैं कि चलती रहेंगी सारी एज पूरी लाइफ चलती रहेंगी लेकिन इन अठारह दिनों में एक अलग से रिजल्ट्स चाहिए बस क्योंकि जिस दिन आपने भोजन खाया है उस दिन जो एनर्जी है आपके पास वो अगले दिन नहीं रहती है तीसरे दिन और कम हो जाती है तो जिस दिन आपको ये आग मिली है ये कम होनी है साइकोलॉजी कहती है कि एक महीने के बाद बड़ी से बड़ी मोटिवेशन भी बुझ जाती है खत्म हो जाती है तो आज आप लोगों ने लाखों रुपए खर्चे हैं यहां आने के लिए लाखों रुपए का मतलब है कि आपका कितना पूरा पूरा दिन लगा है इसके ऊपर कि पूरा पूरा दिन लग गया है सभी लोग यहां बैठे हैं लाखों रुपए का, का काम छोड़ के आप बैठे हो तो वो आग का फायदा इन अठारह दिन में हो गया तो हो गया अदरवाइज कौन सा टीएस मदद किसकी बात करते हो जैसे ही अठारह दिन के रिजल्ट आएंगे हमारे ग्रंथ लिखते हैं सात तरह के सुख मिलते हैं जो लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे सात बेनिफिट्स सात तरह के सुख पहला सुख कोई जानता है तो बोल दीजिए निरोगी काया फिट बॉडी बुरा नहीं मानिएगा बिना पैसे के बॉडी फिट हो सकती है क्या नहीं हो सकती है बचपन में सुना था कि पैसे में बहुत ताकत है बचपन में सुना था बड़े होके देख भी लिया कि पैसे में बहुत ताकत है एनएपल अडे कीप्स अडॉक्टर अवे सब ने सुना हुआ है An apple a day keeps कीप्स doctor अवे चार लोगों की फैमिली पांच लोगों की फैमिली एक एप्पल ईच पर्सन रोज खाए यकीन मानिए यहां जितने लोग बैठे हैं 95 परसेंट लोगों की लाइफ में पॉसिबल नहीं है अच्छा सेब दो सौ रुपए किलो से कम आता नहीं है और दो सौ रुपए किलो का सेब ही खा जाए और भी तो प्रायोरिटीज हैं विश्वास करना मैं दावे से कह सकता हूं मैंने कभी भी किसी सेब वाले से किसी सब्जी वाले से किसी कपड़े वाले से किसी रिक्शा वाले से किसी ज्वेलरी वाले से रेट नहीं पूछा अगर चीज पसंद आ गई तो ये पैक कर दे क्यों क्योंकि सारा बचपन रेट पूछने में लग गया दो सौ रुपए किलो एक सौ बीस रुपए किलो अस्सी रुपए किलो साठ रुपए किलो फिफ्टी फाइव ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुका हूं उस वाहगुरु की उस खुदा की मेहरबानी है मुझे नहीं याद कि मैं लास्ट बीमार कब हुआ था और ये सुख मिलेगा रिजल्ट्स के साथ बिना रिजल्ट्स के नहीं मिलने वाला जब तक वो आग है जितना उस आग को सेक सकते हो सेक लो बुझने से पहले पहले अगले महीने फिर और नई आग लगा लेंगे लेकिन अभी उसका फायदा लो पहला सुख निरोगी काया दूसरा सुख जिसके साथ सारे के सारे सुख जुड़े हैं घर में हो माया अब आप इनकम एंड वेल्थ को कंफ्यूज नहीं कीजिए आप कमाते हो लेकिन घर में माया का होगा कि आपके पास वेल्थ है मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप पैसे कमाना और पैसों को घर में रखना ये दोनों अलग अलग है इतने पैसे कमाए कि वो खर्च ही हो गए तो घर में माया नहीं है अपनी बात समझा पा रहा हूं तो हमें दूसरा सुख भी चाहिए घर में हो माया और तीसरा सुख पतिवर्ता नारी वाइफ मैं इंडियन वाइफ्स को सैल्यूट करता हूं भारत की भारतीय पत्नियों को सैल्यूट करता हूं कि ये जिसके साथ शादी हो जाती है सारी उम्र उसी के साथ ही बताती हैं पतिव्रता हैं, लेकिन सच्चाई रियलिटी क्या है रियलिटी है कि उनमें उनके मन में चलता रहता है कि हे भगवान मेरा हस्बैंड उतना अमीर क्यों नहीं बन पा रहा इसको सब कुछ क्यों नहीं मिल पा रहा मैं उस उस संदर्भ में आपके साथ बात कर रहा हूं वो शिकायत नहीं करती हैं, पति वर्ता है शिकायत नहीं करती हैं। हर दुख सुख में हमारे साथ हैं लेकिन कभी कभी सुनना पड़ता है कि मेरे जीजू इतने अमीर हैं, आप क्यों नहीं हो तो तीसरा सुख चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी बुरा नहीं मानिएगा एक मां के दो पुत्र हैं दोनों आज्ञाकारी हैं एक उसे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एक हजार रुपए की टैक्सी मंगवाता है दूसरा कह देता है मां मैंने आज ठेला लगाना है मेरे पास समय नहीं है पैसे नहीं है आज्ञाकारी तो वो भी था वो बेचारा क्या करे क्या करे वो बेचारा हम वो बेचारा नहीं बनना चाहते हैं और ना ही हम अपने बच्चों को वो बेचारा बनाना चाहते हैं हम इतना खुद को और अपने बच्चों को तभी खड़ा कर सकते हैं अगर हमारे पास वो रोकड़ा है रोकड़ा मानते हो मानते हो सोचना शुरू कर दिया या कुछ और ही चल रहा है दिमाग में यार है? यार ये क्या बोल रहा कुछ है कुछ गड़बड़ है और मैं बरस रहा हूं कुछ लोग नहा के जाएंगे कुछ लोग पानी समेट के लेके जाएंगे कुछ बातें मेरी ऐसी भी हो सकती है जो आपको पसंद भी ना आए लेकिन आज आपके पास केवल एक ही रास्ता है कि आप मुझे बर्दाश्त करो कर लोगे ना और इसके अलावा कर भी कह सकते हो वैसे आज अगला सुख जो है पांचवां सुख हो सुंदर वास पांचवां सुख हो सुंदर वास घर छठा सुख हो सज्जन सजनी पास हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे रह रहे और सातवां सुख हो मित्र सच्चे दस सेकंड के लिए सोचो बीस सेकंड के लिए सोचो क्या पॉसिबल है कि सारे सुख हमें बिना पैसे के मिल जाए अब यह मत कहना मैंने पहले बात आपसे कर चुका हूं कि पैसे आपके पास हैं आपके पास उतने ही पैसे हैं जितने आप कमा सकते थे मैं तो आपको उससे आगे निकलने की बात कर रहा हूं एक पुरानी शेर एक पुरानी शेर क्या बोलते हैं कविता एक पुरानी कविता आपके साथ जिक्र करता हूं सीढ़ियां उनके लिए बनी हैं जिन्होंने छत पे जाना है सीढ़ियां उनके लिए बनी है जिन्होंने छत पे जाना है जिसकी हो नजर आसमान पर उन्होंने रास्ता खुद बनाना है तो हम ये छत सुख सुख जो सात सुख लेने के लिए हमने ये अठारह दिन कोई बीच में संडे नहीं कोई मेहमान नहीं कोई होली नहीं कोई फेस्टिवल नहीं कोई मेला नहीं कोई मूवी नहीं कोई गाना कोई म्यूजिक कोई पार्टी कुछ नहीं केवल वो रिकॉर्ड बनाना है कौन सा रिकॉर्ड आप कौन सा रिकॉर्ड बनाओगे आपने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है बस जो आपने रिकॉर्ड पिछली मार्च में बनाया वो इस मार्च में टूटना चाहिए नया रिकॉर्ड आपके लिए वही होगा और उसी में से निकलेंगे बाकी के रिकॉर्ड्स। अगर आप नहीं करोगे तो खुद टूट जाओगे कर लोगे तो रिकॉर्ड टूट जाएंगे काम तो एक ही होगा अगर नहीं करोगे तो खुद टूटोगे कर लिए तो रिकॉर्ड टूटेंगे अब बात चलते है वहीं पर जिसका आपको इंतजार है इस पिटारी में क्या है नजदीक आता हूं आपके ओके अब आपको इंतजार है कि इस पिटारी में है क्या यह पिटारी यह डिब्बा हर समय मेरे साथ रहता है। मेरा जब फर्स्ट सेमिनार हुआ था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए अराउंड 25-26 साल पहले जब मैंने एलआईसी छोड़ी और शुरू किए तो मेरे से पूछा गया था कि एक सेंटेंस में बता सकते हो कि एक व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग में बहुत ज्यादा कामयाब कैसे हो सकता है तो मैंने कहा था दो सेंटेंस चाहिए हमें पहला सेंटेंस अगर एल में बहुत अधिक कामयाब होना चाहते हो आई रिपीट अगर लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग में बहुत अधिक कामयाब होना चाहते हो लाइफ इंश्योरेंस बेचनी बंद कर दो जैसा आप लगा ना झटका ऐसे झटका उस समय लगा था लोगों को तो करो क्या फिर यह डिब्बा लेके चलो इस डिब्बे में वो सामान है जो सड़क पर घर से बाहर लोगों के काम आता है इस बात को समझने की कोशिश करना घर से बाहर ये डिब्बा लोगों के काम आता है तो मैं क्या कहता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस की सेलिंग बंद करके ये आपको मैं दे रहा हूं आइडिया इन अठारह दिन के बाद के लिए डिब्बा कल से रख लेना क्योंकि मैं हो सकता है आपको एक डेढ़ साल ना मिलूं नेक्स्ट अराउंड सेवन मंथ्स की मेरी बुकिंग है सात महीने तो पक्का मैं नहीं आ पाऊंगा डिब्बा आज से रख लेना लेकिन इसके ऊपर पूरी एप्लीकेशन फर्स्ट अप्रैल से बाद में आपने सड़क पर तीन लोगों की रोज सहायता करनी है जादू जादू दे रहा हूं आपको बहुत ध्यान से सुनना इस डिब्बे में है क्या इस डिब्बे में टॉर्च है बैटरी चलती है ना इस डिब्बे में कैंची है, है, है इस डिब्बे में स्क्रू ड्राइवर्स है पेजकस स्क्रू ड्राइवर्स इस डिब्बे में फर्स्ट एड का सामान है विक्स हो गई क्रोसिन हो गई बॉल पेन है बॉटल ओपनर है सुई धागा है कॉइन्स हैं अब देखिए है, कैसे ये जादू करता है डिब्बा एग्जाम्पल से शुरू करता हूं एग्जाम्पल से क्योंकि मैं अमृतसर में रहता था उन दिनों में दिल्ली में तो बाद में आया हूं दस साल पहले ट्रेन में बैठा दिल्ली जाने के लिए दिल्ली स्टेशन के नजदीक अभी पंद्रह मिनट बाकी रह गए थे तो मेरी सीट के आगे से एक व्यक्ति निकला उसकी पॉकेट फटी हुई थी मैं भाई साहब आपकी पेंट फटी हुई है कहता जी मैं जानता हूं वो ना किसी ने पॉकेट काट दी रात को तो मैंने सीखा था दिन में तीन लोगों की सहायता करनी है तो मैंने कहा यार अच्छा इंसान लग रहा है इसकी पॉकेट फट गई है चलो इसको कुछ पैसे चाहिए होंगे ऑफर कर देते हैं मैं कहा भाई साहब कुछ मदद कहता नहीं 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 पैसे हैं मेरे पास और भी तो मैंने कहा इसको तो ठीक कर लो कहता अब स्टेशन आएगा उतरेंगे टेलर ढूंढेंगे ठीक करवा लेंगे मैं कह नहीं अब मेरे पास बैठिए मेरे पास सुई धागा है वो ऐसे देख रहा है मेरी और आप सुई धागा क्यों रखते हो मैं कह जैसे आपको जरूरत पड़ गई ऐसे मुझे भी तो पड़ सकती थी हम लोग जर्नी में हैं रोज घूमते हैं हम सेल्समैन हैं हर समय घर से बाहर हैं कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है इसलिए रखते हैं तो मैंने सुई में धागा डाला और जैसे मैं करने लगा तो उसने मेरे से सुई धागा लेके खुद उसे ठीक कर लिया मैंने उसे अपना कार्ड दिया सर ये मेरा कार्ड है मैं एल का एजेंट हूं जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़े आप ट्वेंटी फोर आवर्स मुझे फोन कीजिएगा मैं हाजिर हूं मैं बिजनेस कर नहीं रहा था उस समय लेकिन था था मेरा फ़र्ज़ बनता था बताना कि मैं काम क्या करता हूं मुझे मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर का यह हुक्म था ऑर्डर था ऑर्डर मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे रिक्वेस्ट नहीं करता था कभी भी कि तू ऐसे कर लेना वो कहता तुझे करना पड़ेगा उसका हुक्म था हर महीने और यही हुक्म मैं आपके लिए कर रहा हूं आप सबको हर महीने कम से कम दो हजार विजिटिंग कार्ड बांटने हैं दो हजार कार्ड कितने के बनते हैं रफली आजकल पांच सात सौ आठ सौ रुपए के जितने लोग बैठे हैं सभी अफोर्ड करते हैं सात आठ सौ रुपए अफोर्ड करते हैं करते हैं बहुत कम बोलते हैं यार एक मिनट खड़े होइए सारे लोग खड़े होइए आप बैठ जाइए दो हजार कार्ड दो हजार कार्ड का मतलब दो हजार लोगों को मिलना पॉसिबल नहीं था तो क्या इंस्ट्रक्शन थी उस मेरे और जितने कार्ड बंट सकते हैं बांट लो लास्ट डे ऑफ द मंथ थर्टी तारीख को तीस तारीख को बाकी के कहीं बाग में जाके मंदिर में जाके ऐसे उड़ा दो क्रिकेट का मैच था अमृतसर में मेरे पास लास्ट डे मुझे याद है थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई मेरे पास अठारह कार्ड थे मैं यारोह डीओ साहब नाराज हो गए अठारह कार्ड बच गए तेरे आज मैंने मैच में अठारह सो कार्ड ऐसे उड़ा दिए क्योंकि तो लोग तो हमें पागल समझते ही हैं ये पागल करके आ रहा है यार यकीन मानिए दो पॉलिसी बिकी थी वो कार्ड उड़ाने के चक्कर में मुझे फोन आ रहा है यार कल आपका कार्ड गिरा मिला था वहां से हमें पता ही नहीं था अगर हमारी गली में रहते हो आप यार घर में आना थोड़ा सा काम है दो पॉलिसी निकल आई कार्ड उड़ाने के चक्कर में और मैं कार्ड मैंने उसको थमा दिया सर ये मेरा कार्ड अब दूसरा काम क्या था पहला काम था सेवा करनी दूसरा काम था अपने बारे में बताना स्वार्थी ही बन के सेवा नहीं करनी लेकिन स्वार्थ पूरा हो जाता है ये मैं आपके साथ बात कर रहा हूं मैं कह सर आप क्या करते हैं कहते हैं, मैं ट्रेन में बता नहीं सकता हूं ऑथोराइज नहीं हूं बताने के लिए लेकिन क्योंकि आपने एक अनयूजल सा काम किया है इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं उसने मुझे अपना कार्ड दिया ये मेरा कार्ड है 24 फोर आवर्स कभी जरूरत होगी तो बुला लेना और व्यक्ति पता कौन था दिल्ली में इनकम टैक्स का डिप्टी कमिश्नर इतने से धागे ने इतने से धागे ने इनकम टैक्स का डेप्टी कमिश्नर मेरी जान पहचान वाला बना दिया और हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए मैं तो अभी भी ऐसे ही करता हूं एयरपोर्ट पे जाके स्टेशन पे जाके पहला काम कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो अकेला बैठा है बस उसके पास चले गए झिझक तंग करती है ना वो क्या कहेगा अरे क्या कहेगा यार यही कह लेगा मैं बाद में इंटरेस्टेड नहीं हूं तो कह लेगा तो हम और बंदा ढूंढ लेंगे तू नहीं इंटरेस्टेड दूसरा सही दूसरा नहीं तीसरा सही इस छोटे छोटे एक्ट के कारण मैं सड़क पे जा रहा हूं किसी का बाइक पंक्चर है उतरा मैं कहा सर वो प्रॉब्लम आ रही है कहता जी वो स्क्रू ड्राइवर थोड़ा सा छोटे वाला चाहिए मैं कहा मेरे पास है तो लोग देखते हैं कि यार ये क्यों लेके घूमता है जरूरत खुद को भी पड़ती है अच्छा इंश्योरेंस के टाइम की बात छोड़ो अभी मैं रायपुर में करके आया हूं किसी स्टील कंपनी के लिए सेमिनार हम रात को रायगढ़ से लेकर रायपुर तक हमने ओवरनाइट जर्नी की रायगढ़ से रायपुर इतना बढ़िया रोड नहीं है वो वाला 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 और रास्ते में हमारा जो कैब था स्कॉर्पियो उसकी गाड़ी थोड़ी सी बिगड़ गई है तो मैंने बैग खोला स्क्रू ड्राइवर निकाला कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ थे तो मुझे देखते यकीन मानिए कम से कम इतनी बात पर मेरा एक सेमिनार और बिक गया होगा मेरा एक दोस्त बैंक मैनेजर मैं आपको पहले बता चुका हूं मैं कभी प्लान्स के बारे में नहीं जानता था मैं ये सब चीजें करता था बस शादी में जाके साढ़े आठ का टाइम है तो मैं साढ़े सात बजे पहुंचता था आज भी पहुंचता हूं आप कितने बजे पहुंचते हो ग्यारह बजे साढ़े आठ का टाइम ग्यारह बजे ग्यारह बजे से पहले भोजन नहीं मिलना क्या करना जाके यार खुद को डायबिटीज है शुगर है वहां गुलाब जामुन भी खा लेते हो आप पांच सौ रुपए पूरे करने हैं मेरा दोस्त बैंक मैनेजर रोज हम चाय इकट्ठे पीते थे एक दिन मुझे कहता है ये बात सुनाने वाली नहीं है वैसे एज ए ट्रेनर हूं इसलिए सुना रहा हूं अदरवाइज अवॉइड करनी चाहिए ऐसी बातें एक दिन मुझे कहते है, आज हम चाय नहीं पिएंगे कहता है, मेरी मदर हॉस्पिटल में है डेथ बेड पे है और किसी समय भी बुरी खबर आ सकती है तो मैंने कहा हुआ क्या तो उसने बताया कौन सी बीमारी बताई उसने मुझे इतना मुश्किल से नाम भी नहीं आता बीमारी का तो मैं क्या कोई इलाज कहता यार डॉक्टर कहता ब्लड लेके आओ कम से कम छः बॉटल्स दे चुके हैं हंड्रेड इयर्स की उनकी एज है अब उनको कितना परेशान करें और डॉक्टर कहता ब्लड लेते आओ लेकिन चांसेस बचने के कम हैं मैं कहा यार एक और ट्राई कर ले मेरी बॉटल भी मेरा ब्लड भी ले ले कहता यार हमने भाइयों ने फैसला किया है कि और ब्लड नहीं देना क्योंकि उन्होंने बचना तो है ही नहीं मैं कह यार ट्राई कर ले तेरा नुकसान है उसमें कोई भी अगर मेरा ब्लड लेने से बच जाती है ठीक है नहीं बचती तो जाएगा क्या नुकसान तो कोई नहीं हो रहा ना कहते ठीक है हम हॉस्पिटल में गए डॉक्टर मुझे कहता है कि आप ब्लड दे रहे हो आपको इन्होंने बता दिया है कि उन्होंने बचना नहीं है डॉक्टर कहते हैं मुझे मैं कहा सर ये तो बता दिया इन्होंने लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं तो नहीं मरूंगा कहते नहीं आप नहीं मरोगे आप कुछ होने वाला नहीं है तो मैंने कहा ओके तो ब्लड लीजिए ना अभी केवल प्रिक लगी थी अभी ब्लड निकला भी नहीं था मेरा और उस औरत ने प्राण त्याग दिए वो गुजर गए तो वापस प्रिक वापस आके कहते जी ब्लड नहीं चाहिए वो तो प्राण त्याग दे चुके त्याग चुके हैं मैं ये लाइव एग्जाम्पल आपको क्यों दे रहा हूं अब मुझे बताइए उस मेरे दोस्त ने कभी भी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदनी होगी तो उसे जाके मुझे ये बोलना पड़ेगा कि प्लीज यार इस बार मेरे से पॉलिसी खरीद लेना बोलिए अरे वो मेरे से खरीदेगा भी और लोगों को भी बोलेगा लोगों को भी बोलेगा और उसके बाद जो सेकंड फायदा इस चीज का जो आप में से 90 परसेंट लोग जूझ रहे उस प्रॉब्लम से ऐसे लोग रिबेट भी नहीं मांगते हैं दावे से कह सकता हूं 10 साल इंश्योरेंस बेची है एज ए एजेंट एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर रिबेट एक बार भी नहीं दिया ब्लड ले लो मेरे से खून ले लो जितनी सेवा को करवा लो कर देंगे लेकिन अगर आपको रिबेट चाहिए भाई सब किसी और से ले लो जैसे ही मैं अकड़ता था ना लोग सोचते थे इसमें दम है लोग सोचते थे इसमें दम है अब अगेन ये बात फिर करने वाली नहीं है शरद भाई थोड़ा सा नाराज ना हो जाए लेकिन क्या करूं सिखाने आया हूं लोगों को मैं जो मेरी आपसे बात हुई फोन पे, अगर मैं इनके साथ कर दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रेट वाली सब चीजों वाली इसी भाई मेरी तो फर्ज बनता है पूछना इंडिया में मैं एक ऐसा स्पीकर हूं जिसकी टर्म्स फिक्स्ड है बिजनेस मिले ना मिले मैं डेढ़ घंटा बोलता हूं एक लाख दस हजार लेता हूं परसेंट एडवांस एस बी एस नागपुर के अगर मुझे फोन करें कि एक लाख दस हजार कल दे देंगे मुझे कोई अधिकार नहीं है इनके ऊपर डाउट करने का कि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं इस क्लास को जानता हूं इस क्लास का मेंबर रहा हूं आई नो के पैसे इनके पास इससे भी कई गुना ज्यादा हैं लेकिन मैं सेल्समैन हूं मैं लोगों को सिखाता हूं कि आप अपनी टर्म्स पे काम करो इसलिए मैंने कहा सर आप मेरे से जितना मर्जी मेहनत करवा लेना डेढ़ घंटे की जगह तीन घंटे बुलवा लेना चार घंटे बुलवा लेना कुछ भी कर लेना लेकिन टर्म्स फाइनल मेरी बैंक में एक लाख दस हजार जमा करवा दो फिर मैं अपने घर से चलता हूं और यही चीज मारुति हो ऑयल इंडिया हो सेंचुरी रेन हो कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो मेरे अगर बैंक में पैसे नहीं आते मैं नहीं जाता हूं क्यों क्योंकि मैंने एल भी ऐसे ही बेची है जितना अकड़ता हूं ना लोग कहते यार दम है इसमें है ना जितना आप नीचे झुकते हैं प्लीज यार कितना चालीस परसेंट ले लो अच्छा वो पचास देता है बावन ले लो यार ले लो वो कहता है यार इस बंदे में, आप खुद भी जो कस्टमर हो सब्जी लेने जाते हो खुद भी कस्टमर हो ना सब्जी वाला जैसे ही कहता है ना बाईस का बीस लगा लूंगा आपको लगता है यार सला आठ अठारह रुपए भी आ सकता है सत्रह पे भी आ सकता है पंद्रह पे भी आ सकता है मैंने कभी मोल भाव नहीं किया है ना खरीदने के समय ना बेचने के समय मेरे घर में आजकल कारपेंटर लगा हुआ है मैं कितने पैसे लेगा किचन बनानी थी कहता पच्चीस हजार रुपया सिर्फ उसकी मेहनत का सामान आपका मैं कहो कि डन वो सोच रहा होगा कि पच्चीस का बाईस बोलेंगे सब बोलते हैं मैं क्या डन काम मेरी मर्जी का चाहिए भाई साहब वो ठेकेदार है ठेकेदार खुद काम नहीं करते हैं कारीगरों से काम करवाते हैं वो मेरे घर में खुद काम कर रहा है लकड़ी खरीदने गए बोर्ड खरीदने कहता क्या रेट वो कहता है अस्सी रुपए फुट मेरा ठेकेदार कहता है कम लगा मैं कहा सुन इसको कमाने दे यार वो मेरी ओर देख रहा है पहला कस्टमर ऐसा देखा है मैं कहा, जिस दिन मैं डिस्काउंट मांगूंगा उस दिन के बाद मुझे डिस्काउंट देना भी पड़ेगा एटीट्यूड आपका बदल जाता है खरीदने के समय यार दस रुपए रियायत कर दे बेचने के समय यार लोग रिबेट क्यों मांगते हैं तू मांगता है, लोग मांगते हैं तू अगर जा पूरे पैसे दूंगा दुकानदार बढ़िया चीज देता है आपको सल्यूट भी करता है और सभी तरह के लोग हैं बाजार में सामान बेचो सेवा करो पूरी क्वालिटी बेस्ट सर्विस क्वालिटी बेस्ट आपका फोन 24 फोर आवर्स ओपन आधी रात को आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है सर मैं आ रहा हूं लेकिन रिबेट के नाम से सॉरी नहीं दे सकता हूं कुछ लोग होंगे ऐसे जो रिबेट नहीं देते हैं ऐसा तो नहीं है कि सेंट परसेंट लोग ऐसे ही काम करते बोलिए कुछ लोग होंगे ना ऐसे वापस उसी बात पे जा रहा हूं अपनी बात पर तो मैं इस तरह से तीन लोगों को रोज मिनिमम सेवा देता था तीन कार्ड रोज मुझे मिल जाते थे सौ नए जान पहचान वाले हर महीने नए एवरी मंथ सौ डिफरेंट कॉन्टेक्ट और सौ को मल्टीप्लाई कर लो कहां से कहां पहुंच जाते थे और लोग कहते यार मेरे कॉन्टेक्ट ही खत्म हो गए हमारे पास समय नहीं था इतना कि हम कहां से कॉन्टेक्ट और यार कैसे बनाऊं मैं पूरा दिन निकल जाता यार तीन लोगों की सेवा करने में मेरे पास समय होता है, मैं चार की सेवा कर लेता पांच की सेवा कर लेता अपने में क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपनी क्वालिटी चाहे वो आपके कपड़े पहनने की क्वालिटी चाहे वो आपके बात करने का ढंग चाहे वो सेवा करने का ढंग कस्टमर सर्विस का सर्विस सेवा कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है चेंज ऑफ एड्रेस चेंज ऑफ नॉमिनेशन मच्योरिटी मनी बैक का सर्वाइवल बेनिफिट कस्टमर केवल सोचे कि के मैच्योरिटी आने वाली है उसको एक्शन दिखाई देना चाहिए प्रोफेशनल सेल्समैन शुरू में थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है उसके बाद रिजल्ट्स आपके आगे पीछे फ्लो करते होंगे आपके पॉकेट में अपने आप यार बिजनेस आ कहां से रहा है और लोग करते हैं मैं तो पूरा इंडिया यही काम करता हूं लोगों को देखता हूं ऐसे ऐसे लोग हैं जितनी आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी उतना आपका बिजनेस का सक्सेस रेट भी मल्टीप्लाई कर जाता है महंगी चीजें ज्यादा बिकती हैं मैं पांच हजार रुपए लेता था एक सेमिनार का टुच्चू टुच्चू से सेमिनार मिलते थे मुझे टुच्चू टुच्चू से छोटे छोटे मैं बड़ा खुश था यार महीने के बीस दिन बिजी बीस इंटू पांच हजार कितना हो गया एक लाख रुपया यार एक लाख रुपये की मुझे सैलरी नहीं मिलेगी बड़ा अच्छा काम है यार बच्चों से बात की है मैं यार बड़े बड़ा कस्टमर नहीं मिलता कहते हैं अगर मूंगफली बांटोगे तो बंदर ही मिलेंगे अगर मूंगफली के दाने बांटेंगे चने बांटेंगे तो बंदर ही मिलेंगे बादाम बांटो इंसान मिलेंगे मैंने रेट कर दिया पच्चीस हजार रुपया एकदम क्वालिटी बदल गई क्लाइंट्स की उसके बाद अभी भी ना एसबीएस नहीं आ रहे यार ये कैसे आ सकते हैं सब लोग आ गए एसबीए क्यों नहीं आ रहे एल के लिए काम कर रहा हूं एसबीए क्यों नहीं कर रहे ये फॉर्म क्यों नहीं करवा रहा मगर इनको ना सस्ते बंदे नहीं चाहिए इनको क्वालिटी चाहिए क्वालिटी है मेरे पास कपड़ा मैं बढ़िया हूं लेकिन बिकता सस्ता हूं तो लोगों का विश्वास ही नहीं आता मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं ना आपके लिए बोल रहा हूं मुझे आपसे बिजनेस नहीं मिलना है आप लोग तो ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं चला रहे हो ना जिनसे मिलना था उनसे मिल चुका है लेकिन आपके लिए बोल रहा हूं आपने ऐसा करना है कपड़ा है आपके पास सर ये चार सौ रुपये मीटर की क्वालिटी है आपको बीस रुपए में दे रहा हूं कस्टमर गधा है क्या तो 400 मीटर की क्वालिटी 20 में क्यों दे रहा भाई सर ये 400 सौ रुपए मीटर की क्वालिटी है लेकिन मेरी गारंटी है रंग निकलेगा फेंक देना बाजार में बिकता है उसके बाद मानते हो तो प्रेम से बोल दो फिर एक बार और प्रेम से बोल दो यस, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के, के साथ भी क्वालिटी आपकी पंक्चुअलिटी आपकी टाइम मैनेजमेंट वहां भी दिखाई देना चाहिए मेरा पहला क्लाइंट मेरे करियर का पहला क्लाइंट 1980 में आर्मी का ऑफिसर सुबह नौ बजे का टाइम मैं बहुत खुश कि आज एक पॉलिसी बिकेगी पहला दिन उसके पास गया सर बेल की सर टीएस मैदान उसने घड़ी देखी सॉरी मिस्टर सिंह आप 20 मिनट लेट हैं मैं सर उसमें क्या प्रॉब्लम है <laughs> लोग तो दो दो घंटे लेट पहुंचते हैं कहते नहीं हमें प्रॉब्लम है हम डिसिप्लिन लोग हैं नौ बजे बोला था नौ बजे क्यों नहीं आए मैं कहा सर अब गलती हो गई अब तो हो ही चुकी है क्षमा चाहता हूं कहता नो मैं तेरे से पॉलिसी नहीं खरीद सकता मैं सर आप मेरे पहले प्रोस्पेक्ट हो पहले प्रोस्पेक्ट आपके कारण मेरा करियर चलना है कहता फिर एक काम कर सकता हूं कल दोबारा आ जाओ लेकिन आना नौ बजे ही पड़ेगा और मैंने सोचा यार इस बार गलती नहीं करनी है साढ़े आठ उसके घर के बाहर खड़े हो जाना जाके रात को अलार्म लगा लिए एक घड़ी में अलार्म दूसरी घड़ी में अलार्म तीसरी घड़ी में अलार्म वाइफ को बोल दिया मदर को बोल दिया कि मुझे सुबह छह बजे उठा देना है और सुबह छह बजे जैसे उठा बाहर जोर से बरसात मेरे पास गाड़ी नहीं है बाइक था जीएसडी जीएसडी जानते हो ना गुर्र डबल साइलेंसर वाला मेरे पास बाइक सड़कों पे पानी ऑटोस टैक्सी तो होती नहीं थी उन्नीस सौ अस्सी में कहा होती थी छोटे शहरों में अब क्या करूं मैंने कहा नहीं यार इसको मिस नहीं करना ये बोनी है बोनी समझते हो ना आप फर्स्ट कस्टमर है इसको मिस नहीं करना पूरे नौ बजे उसकी बेल कर दी बाहर आए पहले मेरी ओर देखा फिर बाहर बरसात की ओर देखा कहते हो दैट्स गुड पर आप कैसे आए हो मैं कहा सर बाइक पे कहते गीले क्यों नहीं हुए मैं कह सर गीले कपड़े बैग में है और बैग लटका हुआ है बाइक के ऊपर मैं नाइट सूट में गया उसके घर के बाहर बरामदे में खड़े होके कपड़े चेंज किए नौ बेल की, वो मुझे अंदर लेके गए कहते कोई क्वेश्चन नहीं कुछ नहीं आप मुझे बताइए कि कौन सा प्लान आपके पास है, मैं कहा रियली सॉरी सर मेरा पहला दिन है मुझे प्लान के बारे में नहीं पता कुछ भी <laughs> कहता ये मेरा दस हजार का बजट दस हजार उन्नीस सौ अस्सी में एनुअल प्रीमियम दस हजार उन्नीस सौ अस्सी में ये दस हजार का बजट अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से बात कर लेना मेरे पर्टिकुलर्स ले लो जिस प्लान में लगाना लगा देना मुझे आज पसंद आ गए बताइए यही कुछ करना था तो कल कर लेते तो जो उसने कहा था ना वो ध्यान से सुनो कोई आप किससे लोग यार शिष्टाचार नहीं आता मुझे एक बार भी नहीं बोला बैठ जाओ कहता है आज आप पॉलिसी बेच के जा रहे हो आपको इसमें से कमीशन मिलेगी मैं कहा यस सर, मुझे इसमें से थर्टी फाइव परसेंट कमीशन मिलेगी कहता, जिस दिन अगर मेरी मृत्यु हो जाए आप चेक देने आओगे मेरे परिवार को मैं कहा यस सर हमारा फर्ज बनता है मैं आर्मी वालों के साथ आर्मी वालों की लैंग्वेज बात कर रहा था ना यस सर हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके परिवार में वो चेक पहुंचाएं कहते, उस दिन भी आपको थर्टी फाइव परसेंट कमीशन मिलेगी मैं कर, नहीं सर वो तो हमारी सेवा है वो तो हम सेवा करते हैं हम लोगों के घर में अगर डेथ क्लेम पहुंचाते हैं तो हमारी सेवा है कहते यही बात है जिस दिन आपको कमीशन मिलनी है उस दिन आप लेट आते हो जिस दिन आपको मिलनी नहीं उस दिन तो आप आओगे नहीं अब भी मैं इमोशनल हो गया वो बात याद करके अब भी मेरी आंखों में पानी है इस समय उससे भी मैं इमोशनल हो गया था उस दिन कसम खाली कभी किसी क्लाइंट के पास लेट नहीं पहुंचना है एक मिनट भी लेट नहीं पहुंचना है यह तो भगवान का शुक्र है उस आर्मी ऑफिसर ने मुझे बता दिया अगर वो अपने मन में सोचता तो मैं पूरी लाइफ लेट ही जाता और पूरी लाइफ मैं पिटता रहता मेरा बिजनेस ही ना बढ़ पाता कहीं पर अब मेरी एब्सेंस में लोग मेरी कसम खा लेते हैं कि टी एस कभी लेट नहीं हो सकता मेरे अपनी शादी ऑन टाइम मेरे बेटे की बड़े बेटे की शादी ऑन टाइम मेरे पब्लिक फंक्शंस पंजाब में मिस पंजाब ब्यूटी कॉन्टेस्ट सबसे पहले मैंने करवाया था पब्लिक प्रोग्राम तीन हजार लोग बाहर के आए हैं टिकटें बेची हैं ऑन टाइम पागल हूं पागल तभी काम होता है यार ऐसे कहां काम होता है कौन देता है डेढ़ घंटा बोलने का डेढ़ लाख रुपया मेरे कजन बैठे हैं शरद चाचू का बेटा है मेरा ये हाँ जा ले जा मेरे से एक लाख रुपया अरे कहता है भाई साहब मरना पड़ेगा पहले प्रॉब्लम बहुत है ना आपकी लाइफ में टी एस मधान आप बैठे हो स्टेज पे आपकी जेब में आए पैसे आपको बोलना आता है हमसे पूछो हमारे पिताजी बीमार हैं हम तो हंस भी नहीं सकते हमें पूछो बाढ़ आ गई हमारे गांव में फसल तबाह हो गई हमसे पूछो बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे नहीं है अरे आप क्या सोचते हो कि प्रॉब्लम नहीं होती है लाइफ में कौन यहां पर बैठा है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है एनी वन योर हैंड गिफ्ट दे रहा हूं आपको गिफ्ट है ना समय है ना हमारे पास आपकी लाइफ चेंज कर देगा आपका बिजनेस मल्टीप्लाई कर जाएगा आपकी परिवार की खुशी बढ़ जाएगी आपका सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा जो मैं गिफ्ट अभी देने जा रहा हूं आपको कीमत नहीं है इस गिफ्ट की कीमत नहीं है आप करोड़ों रुपए दे दो कुछ नहीं है उसके सामने जो मैं आपको गिफ्ट देने जा रहा हूं सच में बोल रहा हूं प्रूव कर रहा हूं कुछ किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया जो कह दे कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है ऐसे लोग होते हैं क्या जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती होते हैं होते हैं भाई एक तो आपके सामने है अब आप सोचोगे इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे गया सोचोगे ना कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे गया किसकी लाइफ में प्रॉब्लम कोई नहीं है डिक्शनरी देखो डिक्शनरी में प्रॉब्लम की डेफिनेशन है एक ऐसा प्रश्न जिसका कोई हल नहीं है एक ऐसा सवाल एक ऐसा क्वेश्चन जिसका कोई हल नहीं है सोल्यूशन नहीं है लेकिन लाइफ में तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है पैसे कम है सोल्यूशन है क्या आहो सेहत खराब है सोल्यूशन है क्या संबंध खराब है सोल्यूशन है क्या बिजनेस नहीं मिल रहा सोल्यूशन है क्या तो प्रॉब्लम ना हुई ना फिर ये? इसका मतलब इसका नाम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना फिर तो मैंने दोबारा डिक्शनरी में गूगल में गया वहां पर टाइप किया एक ऐसा प्रश्न जिसका हल होता है उसे क्या कहते हैं तो वहां पर लिखा आया पजल पहेली जिसे मैं प्रॉब्लम समझ रहा था वो तो पजल थी मैंने अपनी डिक्शनरी में प्रॉब्लम के वर्ड को रेड इंक से काट दिया और वहां लिख दिया पजल अब आगे सुनिए छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूं मैंने सोचा कि भगवान पजल देता क्यों है क्यों देता है वो खुदा हमें पजल्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है बीच में थोड़ी सी बात बदल रहा हूं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि आपकी जो सफलता है उसमें दो परसेंट आपकी ड्रेस का रोल है कैसे आप दिखते हो दो परसेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है दो परसेंट अठारह परसेंट आपकी जॉब नॉलेज है प्रोडक्ट नॉलेज क्वालिफिकेशन पढ़ाई सब कुछ मिला के अठारह परसेंट और एट्टी परसेंट आपकी अंदर की सुंदरता है घर से निकले साथ में आपकी घर की पजल्स आ गई तो बिजनेस करोगे कैसे सच बोल रहा हूं हमें यह परेशानी नहीं हो रही कि मार्केट में बिजनेस कम है हमें यह परेशानी नहीं हो रही कि हमें प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है परेशानी यह है कि मेरे घर में जो पजल है वो मुझे काम नहीं करने दे रही आहो तो भगवान पजल देता क्यों है उसके ऊपर सोचा मैंने भगवान उसमें पजल देता है जब हम उससे आशीर्वाद मांगते हैं ब्लेसिंग मांगते हैं ध्यान से सुनना मैंने भगवान से मांगा हे भगवान मुझे एक स्ट्रांग बॉडी चाहिए अब उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मुझे इंजेक्शन दे और मेरी बॉडी स्ट्रांग हो जाए उसके पास केवल एक ही रास्ता है कि वो मेरी कॉलोनी में एक दुश्मन पैदा कर देता है अब मैं जानता हूं पिट जाऊंगा तो मैं क्या करता हूं अपनी बॉडी बनाता हूं स्ट्रांग करता हूं मैंने मांगी थी स्ट्रांग बॉडी मुझे मिली स्ट्रांग बॉडी लेकिन रास्ता क्या था वो दुश्मन वो पजल वो प्रॉब्लम अगर सोने की बात करें वही सोना जो तीस हजार रुपए में दस ग्राम बिकता है उसी सोने को एक सुनार एक ज्वेलर चालीस हजार में बेचता है पचास हजार में बेचता है है तो तीस हजार में दस ग्राम बिकने वाला ना लेकिन बेच रहा है वो पचास हजार में कैसे क्या करता है कि वो पचास हजार बिक जाता है बोलिए क्या करता है वो गहना बनाता है ऑर्नामेंट्स बनाता है कैसे बनाता है सोने को आग में डालता है उसके बाद उसकी पिटाई करता है हिट्स जितनी ज्यादा आग जितनी ज्यादा हिट्स उतनी महंगी ज्वेलरी उसकी बात छोड़ो मंदिर में गया मैं मंदिर में जूता निकाला भगवान के आगे सिर झुकाया प्रसाद लिया हाथ दीवार पे साफ किए बाहर आ गया सोचना शुरू किया कि जहां पर जूता निकाला था वो तो पत्थर था जहां हाथ साफ किए थे वो भी पत्थर था जहां सिर झुकाया वो भी पत्थर था तो फर्क कहाँ था फर्क था जिस पत्थर ने किसी मूर्तिकार की हथौड़ों की चोटें सही है ना केवल उसी को भगवान के रूप में पूजा जा सकता है अगर एक पत्थर चोटे खाने के बाद भगवान बन सकता है अरे हम तो इंसान हैं। अगर हमें चोटे मिल रही हैं, इसका मतलब ऊपर वाला हमारे ऊपर प्रसन्न है अगर पजल है लाइफ में खुश हो जाइए प्रसन्न हो जाइए क्योंकि आपको ऊपर वाले से आशीर्वाद मिल रहे हैं मेरी इच्छा थी मेरी डिजायर थी कि बड़े बड़े लोग मुझे आके सुने तो भगवान ने कहा तो तेरे चाचू के लड़के नहीं है तुझे सुनने के आ जाएंगे तुझे पहले आग में जाना पड़ेगा तुझे पहले हिट्स लेनी पड़ेगी और अगर कभी मौका मिला कभी अवसर मिला तो मैं आपको अपनी लाइफ की पजल सुनाऊंगा मुझे सुनने के बाद मेरा चैलेंज है चैलेंज कह देना टीएस मदान ऐसा ही एक व्यक्ति और है जितनी जिसकी लाइफ में इतनी पज़ल्स हैं और वो जिंदा है एक दिखा देना इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा तो क्या करूं हंसना बंद कर दूं क्या अगर मैं नहीं हंसूंगा तो आप मेरे साथ रो क्या अगर मैं चिल्लाता हूं अगर मैं रोता हूं तो अकेले रोना पड़ता है और अगर मैं हंसता हूं तो पूरी दुनिया मेरे साथ हंसती है पजल्स आपको और इम्प्रूव कर रही है आपकी स्किल इम्प्रूव हो रही है आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है आपका पेशेंस लेवल बढ़ रहा है आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ रहा है है पज़ल आपको ग्रो करवा रही तो पजल का फायदा हुआ क्या नुकसान आज के बाद आपकी डिक्शनरी में प्रॉब्लम वर्ड नहीं रहना चाहिए पज़ल्स डबल हो जाएं, कोई चिंता नहीं है लेकिन प्रॉब्लम एक भी नहीं रहनी चाहिए प्रेम से बोल दो एक बार एक बार फिर बोल दो थोड़ा सा आते हैं वापस लाइफ इंश्योरेंस की सेलिंग के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बहुत क्लियर बिजनेस है आपने टैक्स प्लानिंग की आपने रिस्क कवर किया आपने सेविंग प्लान बेचे तीन आइडियाज लेके चलते हो लाइफ एल आई एफ ई यार मुझे एक चीज बताइए मैं बीच में से आप लोगों की बात काट रहा हूं तीन घंटे में आपने मुझे देखा कहीं सुस्सु करते जाते हुए तो आपको क्यों आ रहा है सुसु यहां होता है सच में एटीट्यूड के ऊपर है अगर आप सोचोगे प्रेशर है तो प्रेशर आएगा अगर सोचोगे प्रेशर नहीं है तो नहीं आएगा कहां से कहां बात पहुंच जाती है यार लेकिन थैंक यू वेरी मच मुझ आप मुझे बोलने का मौका देते हो कोई ना उठे मुझे ध्यान नहीं आता यह बात भी करनी होती है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एल आई एफ एन आई एन एस यू आर एन सी ई बी आई एस बी आई बी बी यू एस आई मैंने कहा था ना मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा लोग जान जाते हैं यार मुझे इंग्लिश नहीं आती बी आई एस यू बी यू एस आई बिजनेस I si. नहीं यू पहले, पहले होता है I पहले, पहले होता है बी यू I पहले होता है यू पहले होता है बिजनेस में यू पहले होता है कि आई पहले होता है <स्थाँगा> डिक्शनरी देखो बिजनेस में क्या पहले होता है बिजनेस में आप एग्जाम में क्या लिखोगे यार क्या कर रहे हो आप जीरो क्यों लेना चाहते हो आप बिजनेस में यू पहले होता है आए बाद में और जिस अंग्रेज ने वर्ड बनाया है पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ही वर्ड में डाल दिया कहता है मेरे बिजनेस में आप पहले हो मैं बाद में हूं मैं पहले कैसे हो सकता हूं बिना ऑडियंस के मैं कैसे हो सकता हूं बिना पॉलिसी होल्डर के आप कैसे हो सकते हो यू है तो आई है अगर यू नहीं है तो आई नहीं है यू की आवाज है आय तो साइलेंट है और आय की आवाज की जरूरत भी नहीं है पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकिन हमारे में से ही कुछ दोस्त हैं कुछ जान पहचान वाले चाहे वो इंश्योरेंस बेचते हैं चाहे कुछ और बेचते हैं जो मैंने पहले बोला था वो अपने आप आराम से आगे अपने कोलीग्स को बोलते हैं सर आज एक और बकरा काट लिया मैंने किसकी बात कर रहे हैं जिसकी पॉकेट से निकलकर पैसे हमारे बच्चों के मुंह में जाने वाले हैं समझ रहे हैं मेरी बात को जिसकी पॉकेट से निकलकर पैसे हमारे बच्चों के पेट में जाने वाले हैं वो हमारे लिए बकरा मुर्गा और पता नहीं क्या क्या बन जाता है तो कहां से खुश होगा वो फीलिंग्स ट्रांसफर होती हैं जब आपको दिखाई देता है भाई साहब नमस्कार जी मैंने वो आपसे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करनी थी ओ तो भाई साहब अंदर चल रहा है तो एक बार चेक दे ले उसके बाद बात करता हूं तेरे साथ वो फीलिंग्स ट्रांसफर होती हैं आपकी वो आंखों में दिखाई देती हैं आपकी टोन बदल जाती है आपका मोबाइल फोन का बिल आपका पॉलिसी होल्डर भर रहा है आहो आपके घर का किराया आपका पॉलिसी होल्डर दे रहा है आपके कपड़े आपकी ज्वेलरी आपकी वाइफ की ज्वेलरी आपका पड़ोसी होल्डर खरीद के दे रहा है आप ही के थ्रू आप ही के थ्रू अच्छा वो कौन सा पड़ोसी पॉलिसी होल्डर है घर में दाल गेहूं चावल उसी की पॉकेट से आ रहे हैं उसी की पॉकेट से आ रहे हैं जिस दिन हमारी वो फीलिंग ट्रांसफर होगी उसी दिन रिजल्ट्स डबल हो जाएंगे दैट्स माय प्रॉमिस केवल फीलिंग्स बदलने से क्योंकि फीलिंग्स निकलती हैं दूसरे के पास जाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो 453 पुलिस वालों की इंश्योरेंस कैसे हुई थी एक दिन में जानना चाहोगे नाटी है ना मेरी आदत थी तीन लोगों की सेवा करनी तीन लोगों की सेवा में करता था रोज उन दिनों में पंजाब में आतंकवाद बहुत था तो कोई भी सरदार लड़का किसी पुलिस वाले के सामने नहीं आता था पुलिस वाला सोचता था ये आतंकवादी होगा तो यहां तो पुलिस वाला मरेगा या वो मरेगा रिस्क नहीं लेते थे और एक बस स्टॉप पे एक पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर टू स्टार्स खड़ा है मैं बाइक लेके उसके आगे चला गया मैं कहा सर बस का इंतजार कर रहे हैं कहता हाँ जी मैं कहा सर आइए बैठिए मैं छोड़ देता हूं वो तो मेरी ओर देख रहा है कहता जी मैंने जहां जाना है छब्बीस किलोमीटर दूर है छब्बीस किलोमीटर उन दिनों में बहुत ज्यादा होते थे अब तो साधन बहुत है ना उन दिनों बहुत ज्यादा होते थे कहता मैंने 26 किलोमीटर दूर जाना है मैं कहा सर फिर क्या हो गया इंसान ही काम आएगा ना अगर आपको मेरे पर विश्वास है तो बैठ जाइए तो उसने मेरे पर विश्वास किया पीछे बैठ गए 26 किलोमीटर बहुत होते हैं किसी के बारे में जानने के लिए और 26 किलोमीटर बहुत होते हैं अपने बारे में बताने के लिए पुलिस स्टेशन आ गया कहता जी आप चाय पी के जाइए हम अपने एसएचओ के साथ आपको मिलवाते हैं हम तो सेल्समैन हैं हमें कोई चाय पूछ ले वो तो उसकी गलती है ठीक है सर चाय पी लेते हैं इंस्पेक्टर मुझे पूछते हैं जो एसएचओ साहब कि सरदार जी आप क्या करते हो तो मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब हम लोगों की उम्र आयु लंबी करते हैं वो उसके लिए पहली बार सुना था उसने आप लोगों में बहुत लोगों ने पहली बार सुना है कहता उम्र लंबी कैसे करते हो मैं कहा जी मैं बीमा का एजेंट हूं मान लो आपने पांच लाख की इंश्योरेंस करवाई 20 साल आप प्रीमियम भरोगे 20 साल मेरे घर में कमीशन आएगी 20 साल मेरे स्टाफ को उसमें से कुछ ना कुछ सैलरी के रूप में जाएगा मेरे ऑफिस का खर्चा चलेगा बहुत कुछ चलेगा तो हम सब लोग जितने भी एजेंट्स हैं जितने भी एल के एम्प्लॉय हैं सभी लोग मिलकर रोज सुबह प्रार्थना करते हैं हे hey भगवान हमारी पॉलिसी होल्डर की उम्र लंबी करना ताकि हमें कमीशन मिलती रहे और भगवान सुन लेता है आप स्टैटिस्टिक्स देख लो डेथ क्लेम तो डेढ़ परसेंट दो परसेंट ज्यादा बनते ही नहीं है नहीं बनते हैं ना इसके पीछे एक और कारण है भगवान प्रार्थना सुनता एक और कारण है कि जो मरने वाला है उसको तो आप इंश्योरेंस बेचते भी नहीं हो ना अब सुनिए मैंने उसे एग्जाम्पल दी थी पांच लाख रुपए की अगर आप इंश्योरेंस करवा लेते हो तो पांच लाख क्या था सम्योर्ड और इंस्पेक्टर साहब ने सुना प्रीमियम क्योंकि एक व्यक्ति वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है मैं अपनी औकात से बात करता हूं ना मांगने वाला अपनी औकात के मुताबिक मांगता है आप करोड़पति हो भिखारी आपसे एक रुपये मांगता है तो मैं तो पांच लाख का समशोर सोच रहा था ना अपनी औकात के मुताबिक उसने सुना पांच लाख का प्रीमियम कहता सदा जी मेरे पास आज की डेट में तीन लाख रुपया कैश है दो लाख चार दिन के बाद चलेगा एटी पांच लाख के प्रीमियम की बात कर रहा हूं 1986 आज भी नहीं मिलता और हम सेल्समैन बात संभाल ली मैं चलेगा सर फॉर्म भरा ब्रांच में आया मैनेजर साहब से बात की वो कहते जी तो मेरे पावर में नहीं है मुझे डिवीजन में बात करनी पड़ेगी अब डिवीजन वाले कहते हैं उसकी इनकम के प्रूफ मिलेंगे अब पुलिस इंस्पेक्टर के पांच लाख इनका प्रूफ कहां से ले गया मैं? उसकी सैलरी थी बारह सो महीना मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर की सैलरी होती थी ग्यारह सो लेकिन कैसे किया वो

उसके बाद बारह तेरह दिन के बाद हम कोर्ट में जा रहे हैं कचहरी में तो मुझे वही इंस्पेक्टर साहब दिखाई दिए यहां पर प्लास्टर लगा हुआ हाथ में स्टिक और ऐसे चल रहे हैं मैं तो डर गया काम खराब हो गया कोई यार तो मुझे देख लिया मैदान साहब इधर आओ इधर आओ मैं कहता सर ये क्या हुआ कहता यार आपने सच बोला था जिसकी इंश्योरेंस हो जाती है ना उसकी उम्र लंबी हो जाती है मैं कहा हुआ क्या कहता जी आतंकवादियों ने हमला कर दिया था एम्बुश हो गया था ए के फोर्टी सेवन की बुछार हुई यहां से गोलियां निकली हैं यहां से निकली हैं और आज उसी सिलसिले में मैं कचहरी में आया हूं कहता गिरते ही पहला ध्यान आया दिमाग में कि मुझे परिवार की कोई चिंता नहीं है परिवार में तकरीबन तकरीबन एक करोड़ रुपया एल आई सी दे देगी दूसरी बात ध्यान में आई कि मदान साहब तो बोल के गए हैं कि बंदा मर नहीं सकता कहता हिम्मत आ गई मैंने अपनी ए के फोर्टी सेवन उठाई और जितने आतंकवादी थे उनको भून दिया उड़ा दिया कहता मदान साहब मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन जितने मेरे वहां पर लोग काम करते हैं ना सबकी उम्र लंबी करो और वहां पर लोगों की क्यू लग गई थी क्यू लंबी क्यू फॉर्म भरने वालों की दो दो महीने का एडवांस सैलरी सेविंग स्कीम में दो दो महीने का एडवांस देते फॉर्म भरते जा रहे हैं देते जा रहे लंबी क्यू लगी हुई थी ऐसे इंश्योरेंस बिकी थी ऐसे इंश्योरेंस और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए काम कर रहा हूं और जब मेरा पोस्टर लगा था ना मेरी ब्रांच में तो मेरे साथी एजेंट्स वो मेरे साथ परेशान हो गए थे कहते थे क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना काम कर रहा हूं काम तो अचानक आया वो सोच रहे थे कि मैं जानता था कि रिकॉर्ड बना रहा हूं और मैंने अपने साथियों को धोखे में रखा केवल अपना पोस्टर लगवाने के लिए वो कहते हैं तूने अपना पोस्टर लगवाना था तो मैनेजमेंट के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है मैंने कहा यार नवंबर में पोस्टर लगा है ना दिसंबर आ गया है अगले महीने आप लगवा लेना यार अब तो आपको पता चल गया है ना कि मैं काम करता हूं अगले महीने आप लगवा लीजिएगा ये कौन सा मुश्किल काम है आप तो मैनेजमेंट के साथ मिलने वाली बात खत्म हो गई ना मेरे से ज्यादा काम कीजिए मेरा पोस्टर निकलवा दीजिए अपना पोस्टर लगवा लीजिए और साथ में मैंने एक गलती कर ली उस समय गलती क्या की मैंने अपना हाथ ऐसे मुंह पे रखा मैं कह अगर बाप की औलाद हो ना तो लगवा के दिखाना निकल गया मेरे मुंह से जितने साल इंश्योरेंस बेची है अपना पोस्टर वहां से उतरने नहीं दिया और जो मजा आता है ना उस कामयाबी को याद करके कोई भी मीटिंग में सबसे आगे कहीं प्राइज मिलना है तो सबसे आगे कहीं शील्ड मिलनी है तो सबसे आगे अगर कहीं कोई मीटिंग में हम नहीं हैं तब भी जिक्र होता है हमारा हमारी बात की जाती है वो जो मज़ा आता था उस समय जो नशा था उस चीज़ का रोकड़ा तो आ ही रहा था जो रोकड़े के अलावा जो इज्जत का नशा था वो नशा शायद मैं एक्सपीरियंस नहीं करता हूं बाकी चीज़ें मैं वेजिटेरियन बनना हूं मजाक अलग चीज़ है लेकिन मैं समझ सकता हूं उस नशे के सामने बाकी सारे के सारे नशे बेकार हैं जो कामयाबी का नशा है जो सफलता का नशा है जो सक्सेस का नशा है तो आपको नहीं पता कब आपने डायस फेंका और कब सिक्स आ जाए आपने केवल इतना ही करना है कि बस कीप मूविंग कीप रनिंग चलते रहो बस चलते रहो डाइस फेंकते रहो ओके okay, हेलो कैसे हो भाई कैमरा मैन हाउ यू नमस्ते जी कैसे हो uh, आप कब से हो कैमरा इस लाइन में 80, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई हुई है? है? करवाई है कितना प्रीमियम भरते हो सिक्स हंड्रेड पर तीन महीने का के साल का थ्री मंथ्स का साल का कितना हुआ चौबीस हो गया यार मेरे से ज़्यादा पड़ेगा फिर भी नहीं करते हो कैलकुलेटर में कर लिया करो ना चौबीस सौ साल का दिया चौबीस सौ रफली कितना हो होगा कितना समय शर्ट मिला होगा अंदाज़ा पचास हजार का अब भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो परिवार को पचास हज़ार मिलेगा भाई सिर्फ सिर्फ ओनली पचास हज़ार तो महीने में आप वैसे ले जाते होंगे तो करवानी जरूर थी ना ही करवाते नहीं 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 आप समझिए अगर आज आप नहीं करवाओगे मुझे चाय वाला बोलता है कि आप क्या बात कर रहे हो मेरे से यार मेरा घर नहीं चल रहा मेरे घर में रोटी नहीं है बिजली का बिल नहीं दे पा रहा आप मुझे कहते हो प्रीमियम भर मैं कहाँ से भरूंगा आपके मन में यही चल रहा है ना नहीं, नहीं, नहीं तो अपने कैमरे में लगे हो अब तो मुझे बात करने मुझे अच्छा लग रहा है यार कहता मेरा घर नहीं चल रहा प्रीमियम कहां से भर दूं तो मैंने कहा सुन भोला था उसका नाम आपका नाम तो नहीं बोला मैं मैं फोकस में आ तो अच्छी बात है ना बुरा क्या उसमें फोकस में रहो यार इसको फोकस में ले लो उसका नाम था भोला अब हिंदी में भोला होता है पंजाबी में भोला बोलते हैं भ नहीं होता पंजाबी में प होता है तो भोला पंजाबी हिंदी में था भोला यानी हिंदी में होता है धर्मेंद्र पंजाबी में होता धर्मेंद्र तो इस तरह की थोड़ी पंजाबी जो है ना वो मतलब तो खड़कने वाली है हर समय चिल्लाने वाली तेरी, तेरी वो वो आवाज होती है मैं कहा बोले एक्सक्यूज मी अगर तेरा घर नहीं चल पा रहा फिर तुझे इंश्योरेंस जरूर करवानी चाहिए जब तू जिंदा है तो अपना घर नहीं चला पा रहा अगर तू मर गया तो तेरे साथ तो तेरा परिवार भी मर जाएगा कुछ भी कर ले चाय कम पी ले दूध कम पी ले फल खाने बंद कर दे न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दे लाइट्स कम कर ले कुछ भी कर ले। लेकिन प्रीमियम निकाल क्योंकि अगर तू तो प्रीमियम नहीं भरता तो तू तो मरे ही हुआ साथ में तेरा परिवार भी मर जाएगा कहता फॉर्म निकालो जल्दी से साइन करवाओ और एक और चीज जो हम लोग गलती करते हैं हमें सिखाया जाता है मैंने इनको सीधा पूछा अगर आपके साथ कुछ हो गया तो परिवार क्या करेगा आप लोग इतनी पूछने की हिम्मत नहीं करते हो आप पता कहते हो सपोज मैं मर गया अरे हर बार हम क्यों मरे भाई उसको सीधा बोलो भाई साहब गलत क्या है इसमें अगर आपको गलत लग रहा है तो आप इस काम में हो क्यों उसको बोलो भाई साहब अगर आपके थोड़ा सा पॉलिश कर दो उस बात को अलग से बात है थोड़ा मीठा लगा दो कि भाई साहब अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार उसको दिखाई दे वो हमें मरा हुआ देखेगा उसको कहां से इच्छा होगी अगर मैं सपोज मैं मर गया तो मेरी विडो को क्या मिलेगा और वो कैसे सोच सकता है इस बात को भी वो कहता मुझे क्या पता क्या मिलेगा आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा एक दोस्त मेरे अंकल थे वो नॉट एग्जैक्टली रिश्ते रिश्ते में अंकल थे तो क्लाइंट प्रोस्पेक्ट लेकिन उम्र में अंकल बड़े थे मैंने अंकल आज एक पॉलिसी बड़ी डिस्कस करते हैं आपके पास तो करोड़ों रुपया है एक अद्धि पॉलिसी से कुछ नहीं होने वाला कहता यार तू मेरे से आया बैठा कर चाय पिया कर ये पॉलिसी की बात ना कर जितना पैसा मेरे पास है आने वाली सेवन जनरेशन भी खाती रहे पैसा खत्म नहीं हो सकता कपड़े के इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो टेक्सटाइल मिल थी मैं टैक्स प्लानिंग कहता, जितना भी टैक्स बच सकता था बचा चुके हैं तो और टैक्स नहीं बच सकता सेविंग चाहिए नहीं टैक्स प्लानिंग चाहिए नहीं अब मैं क्या करूं लेकिन मैं इतना जानता था हर पजल का एक सोल्यूशन होता है कि मेरी पजल है। पजल है है ये ये प्रॉब्लम नहीं थी मैंने इनको पॉलिसी बेचनी है ठीक है अंकल कोई बात नहीं अगले हफ्ते चाय पीने आपके पास आएंगे अगले हफ्ते गए अंकल उदास बैठे हुए हैं अंकल क्या हुआ उदास क्यों हो कहते यार दिक्कत आ गई एक मैंने एक मंदिर बनाया था उस मंदिर को मैं चाहता था कि मैं करोड़ दो करोड़ रुपया डोनेशन दे दूं लेकिन मेरे बच्चों ने कह दिया है कि पिताजी हम बिजनेस में से पैसा नहीं निकाल सकते हैं तो मैं कहा, अंकल इसमें उदास होने की क्या जरूरत है अपनी पॉकेट से दे दो ना कहता है नहीं इतना मैं कहा आपके पास तो सात जनरेशन के लिए पैसा है कहता नहीं वो फैमिली का है मैं कहा फिर कहता आपके पास कोई इलाज है जो आप पूछ रहे हो बार बार मैं कहता, जी मैं कितने पुत्र हैं आपके कहता तीन तो मैं कह, आज से चार मान लो चौथा मैं हूं एक करोड़ रुपए मैं दे देता हूं कहते वो कैसे मैं कहा सर पांच लाख रुपया साल की इंश्योरेंस करवा लो एक करोड़ का समशोड़ मंदिर के नाम उसको कर देंगे क्या बोलते हैं असाइन, असाइन मंदिर के नाम कर देंगे असाइन अगर आप जिंदा रहे बीस साल तक अपने हाथ से एक करोड़ रुपया मंदिर को पकड़ा देना और अगर आप चल बसे तो मंदिर को एक करोड़ रुपया हम दे देंगे कहता ये तो बात बहुत आसान है यार पॉलिसी निकाल टिक 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 कहीं लग रहा यार काम करना मुश्किल मैंने बहुत काम देखे है कोई पेंट बेचता है कोई फर्नीचर बेचता है कोई आ, कपड़ा बेचता है कोई सोना बेचता है पेंट बेचने वाला केवल उसे पेंट बेच सकता है जिसके पास अपना घर है साड़ी बेचने वाला केवल लेडीज को बेच सकता है और वो भी लेडीज वही जो साड़ी पहनती हैं स्पेक्स बेचने वाला केवल उनको ही स्पेक्स बेच सकता है जिनकी नजर कमजोर है कंगी बेचने वाला केवल उन्हीं को कंगी बेच सकता है जिनके सिर पे बाल हैं लेकिन हम तो हर किसी को भेज सकते हैं यार पॉलिसी कोई मजहब की बंदिश नहीं कोई धर्म की बंदिश नहीं कोई एज की बंदिश नहीं कोई जेंडर की बंदिश नहीं कोई क्वालिफिकेशन की बंदिश नहीं किसी चीज की बंदिश लिमिटेशन है ही नहीं पूरी दुनिया हमारा क्लाइंट बन सकती है यार बंदिश वाले काम तो हम कर ही नहीं रहे हैं और अगर इस काम में भी, भी कामयाब नहीं हो सकते तो फिर होंगे कहां पर दुनिया के सारे बड़े से बड़े ब्रांड बड़े से बड़े नाम चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सभी लोग पहले एल के एजेंट होते थे एक तो आपके सामने है नाम ले लेते हैं शिवखेड़ा लाइफ इंश्योरेंस ठीक है इंडिया में नहीं था फॉरेन कंट्री में था लेकिन लाइफ इंश्योरेंस बेचता था ऋतु नंदा वगैरह सब लोग लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं किस किस फैमिली से है यार राज कपूर की बहन है बहन है ना राजपुर की बहन बेचती है पैसा है तो आप किसी भी काम में इज्जत ले सकते हो पैसा नहीं है तो फिर फिर आपकी एयरलाइंस भी बेकार लगती है तो आज उस उस, उस एंगल से आप जाइए कि हर चीज बिक सकती है किताबें पढ़िए ट्रेनिंग लीजिए सेमिनार सुनिए मेरे तो 275, 275 वीडियोस आज की डेट में YouTube पे हैं 275 वीडियोस इंडिया में किसी भी और प्रोफेशनल स्पीकर स्पीकर की की इतनी वीडियोस नहीं किसी स्पीकर की नहीं किसी है प्रोफेशनल स्पीकर छोड़ दीजिए 275 प्रमोशनल वीडियोस नहीं है कि दो मिनट की वीडियो दिखाई और बोल दिया बाकी आप मेरी किताबें खरीदो जी बाकी आप मेरी वीडियोस खरीदो जी मेरे सेमिनार में आओ जी पूरा का पूरा प्रोग्राम में डाल देता हूं साढ़े चार घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने दाऊदी बोहरास के लिए किया था आप लोग जानते हैं दाउदी बोहरस को बोहरा कम्युनिटी यहां पर महाराष्ट्र में बहुत होते हैं गुजरात में बहुत होते हैं उनके लिए मैं साढ़े चार घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया पूरा साढ़े चार घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम यूट्यूब पर डाल दिया नौ हजार के करीब आज की डेट में डेली हंड्रेड नाइनटी टू कंट्रीज में लोग मेरी वीडियोस देखते हैं मेरी एक वीडियो से 9000 वीडियोस में से 9000 व्यूज में से अगर एक व्यक्ति भी एक दिन में चेंज हो गया तो मेरे से बड़ा अमीर कौन हो सकता है बता दीजिए आप ही का पड़ोसी अगर कल को चल बसा और आपने उसकी लाइफ इंश्योरेंस नहीं की थी झिझक शर्म या क्या कहेगा सबसे ज्यादा दुख आप ही को होगा आहो, आहो। सबसे ज्यादा दुख आप ही को होगा कि मैंने एक बार इसको कह तो दिया होता हो सकता था करवा ही लेता ना करवाता तो आपकी गिल्ट तो ना बनती आपको परेशानी तो ना होती आप उसकी विडो को देखकर उसकी विधवा को देखकर खुद तो ना रोते पूछ लो हर व्यक्ति से हर एक व्यक्ति से अगर कामयाब होना है तो दस से पांच काम करने वाला यह काम नहीं है दस से पांच में घर का खर्चा चल सकता है रोटी चल सकती है बड़े आराम से कोई भी नौकरी कर लो दस से पांच नौकरी कर लो घर का किचन चलता रहेगा कोई भी नौकरी आपको भूखे मरने नहीं देगी लेकिन आगे बढ़ने नहीं देगी है ना काम जब होना है तो उल्टा करना पड़ेगा दस से पांच नहीं फिर पांच से दस पांच बजे से लेकर दस बजे तक लेकिन अगर आप चाहते हो सुपर ड्यूपर कामयाबी अगर आप चाहते हो कामयाबी सचिन तेंदुलकर जैसी अगर वो कामयाबी चाहते हो लता मंगेशकर जैसी अगर वो कामयाबी चाहते हो आप शिव खेड़ा जैसी अगर वो कामयाबी चाहते हो रितु नंदा जैसी अगर ऐसी कामयाबी चाहते हो तो टाइम पांच से दस का नहीं है टाइम है सुबह पांच बजे से लेके अगली सुबह पांच बजे तक चौबीस घंटे आप बीवी के साथ हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ आपके दिमाग के किसी कोने में वो चलना चाहिए और ये सारी उम्र चलाने की जरूरत नहीं है चार पांच साल सात साल चला लो उसके बाद मजे से बैठो रिन्यूअल भी आ रही है और आपके पास इतना पैसा हो चुका है कि आप कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा ना उससे किराया लेके कि आज उसका ब्याज नहीं आया अभी तक लोग आपके पास काम करते होंगे शुरू के पांच सात साल भूल जाओ आज की डेट में कब से काम कर करे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आज से पांच साल की बात कर रहा हूं आज से पांच साल बस केवल लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग यार मैंने इतना काम करना है कि मेरे से आगे कोई ना निकल पाए मैं सबको कह रहा हूं हर कोई सोचेगा जब हर कोई सोचेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा कंपटीशन बढ़ेगा तो बिजनेस आएगा बिजनेस आएगा तो आपकी पॉलिसीज बिकेंगी आपकी पॉलिसीज बिकेंगी तो आपके घर में इंसेंटिव आएगा और जो आपके घर में इंसेंटिव आएगा माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स उसमें से एक भी पैसा मैं, मैं नहीं मांग रहा हूं वो आप ही के लिए है वो आप ही के लिए है और अगर नहीं आया अगर आप फेल हो गए तो मेरे बैंक में से एक पैसा भी नहीं निकलेगा वो दुख भी आप ही ने झेलना है वो कष्ट भी आप ही ने झेलना है सुख भी आपका है कष्ट भी आपका है पैसे का फायदा भी आप ही को है अगर नहीं कमाते हो तो नुकसान भी आप ही को है मैंने जो लेना था वो तो मैं अपनी पॉकेट में ले ही चुका हूं इन लोगों से। मेरे तो जेब में आ चुका है मेरे बैंक में तो आई चुका है मैं तो अपनी शॉपिंग कर चुका हूं मैं तो बायर आया हूं बायर मजे से जाऊंगा लेकिन सच में जो खुशी मुझे तब होगी जब मुझे आप लोगों से फोन आएंगे मदान इस 31 मार्च को मैंने 100 पॉलिसीज बेची हैं एक एक बंदे का फोन आएगा और मिनिमम मिनिमम मैं चाहता हूं हर व्यक्ति 25 पॉलिसीज जरूर बेचे किसी को लगता है अगर मुश्किल काम तो हाथ खड़ा करे अभी यहीं पर बात कर लेते हैं मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है ना पच्चीस पॉलिसी इस महीने मिनिमम हर कोई बेचेगा और जिसने पच्चीस पॉलिसी बेच ली अपने एसबीए को बता देना SBA मेरे से टेलीफोन पर बात करवाएंगे मैं आपको मुबारक तो दूंगा ही दूंगा साथ में आपको मैं अपनी एक मेरी वीडियो है ग्राहक की ना को हाँ मैं कैसे बदले दो डीवीडी दो सेट है वो मैं उन एसबीए सबको भेज दूंगा वो आपको गिफ्ट करेंगे जो भी पच्चीस कर लेगा उसको वो गिफ्ट मिलेगा और जो पच्चीस से ज्यादा कर लेगा जो पचास कर लेगा सौ कर लेगा उसको क्या मिलेगा ये हर बार मेरे से क्यों मांगते हो कमीशन नहीं मिलनी आपको वो तो आप ही घर में आनी है मेरे से जो मिलेगा पच्चीस पर मिलेगा और अगर पच्चीस से कम करते हो तो बाबा जी का टुल्लू तो समरी तैयार करते हैं जल्दी से समरी समराइज करते हैं अपनी बातों को बातें तो खत्म कभी होंगी नहीं जो मैंने आज आपसे बातें की हैं ये सारा कुछ आ, मेरी एक बहुत पॉपुलर बुक है असफलता का त्याग और उसी किताब का ऑडियो है असफलता का त्याग लोग सोच रहे हैं आ गया औकात पर अपनी अब यहाँ माल बेचेगा बाहर स्टॉल लगेगा दो दो सौ रुपए निकलेंगे जेब से माइ डेड सन माइडेड डॉटर्स अगर मैं किसी को सन्स एंड डॉटर्स बोलता हूं ना तो प्रूव भी करता हूं जितने लोग आए हैं आज हर किसी को एक एक ऑडियो सीडी आज ही फ्री मिलेगी स्टॉक यहां पर आ चुका है अभी जो मेरा सेमिनार खत्म होता है खत्म होने के बाद आपके इनके यही सीट्स पर बांट दी जाएंगी ना बाहर क्यों बनेगा तो सीट्स पर आप बैठे रहिएगा आपको यहीं पर एक एक सीडी बांट दी जाएगी इस ऑडियो सीडी क्योंकि मैंने आपको फ्री देनी है इसलिए मैं चाहता हूं इसके बदले में आप इस सीडी को कॉपी करके मेरे राइट्स हैं आपकी और मैं खुल के बोल रहा हूं मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है मैं खुल के बोल रहा हूं मैं आपको साथ में राइट्स देता हूं अगर आपकी लाइफ में ये सीडी चेंज करे आपको कुछ भी चेंज करे तो इसकी कम से कम दस कॉपीज लोगों में बांट देना और अगर अगर आपके पास बजट की कमी हो कि हम डीवीडीज़ या, या सीडीज़ बांट नहीं सकते हैं तो किसी को कंप्यूटर में डाउनलोड दे, दे देना पेनड्राइव में दे, दे देना लेकिन दस लोगों तक पहुंचा देना और उसके बदले में यही मांग लेना उनसे दस लोगों को क्योंकि मेरा मिशन मेरा मिशन मेरा मिशन यही है कि मैं 10 करोड़ लोगों की हेल्प करना चाहता हूं उनकी पर्सनल लाइफ में और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिलने के लिए समरी तैयार करते हैं जल्दी से समराइज करते हैं क्या क्या मैंने आपसे बात की उसके बाद अगर कुछ पॉइंट एक अदा और होगा तो डिस्कस कर लेंगे नहीं तो फिर अलविदा बोलनी है ये जो वीडियो आज तैयार हो रही है इसका आ, इसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे पाँच दस दिन में हो जाएगी उसके बाद आप आराम से देख भी सकते हैं वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने जान पहचान लोग क्योंकि हम हम उन लोगों में नहीं हैं कि हमें पैसे दो और हमसे हमें सुनो मेरा पूरा परिवार इसी काम में लगा है मेरी वाइफ मेरे बच्चे मेरी डॉटर इन लॉ सब लोग हम बोलते हैं हमारे घर में सुनता कोई भी नहीं है सब स्पीकर्स हैं तो हम अपनी वीडियोस यूट्यूब पे डाल देते हैं ताकि लोग जो हमें नहीं मिल पाते जो हमें नहीं सुन पाते वो भी हमारे इन प्रोग्राम्स का फायदा ले सके अगर मैंने पैसा कमाना मेरा फर्स्ट सीट पे होता अगर पैसा कमाना प्राइमरी सीट पे होता तो मैं ट्रेनर ना होता आई एम वेरी गुड सेल्समैन मैं यहां पेंट बेच सकता था मैं फर्नीचर बेच सकता था मैं कुछ भी बेच सकता था मुझे बेचना आता है और इससे ज्यादा बेच लेता लेकिन मैं एज ए प्लेयर नहीं जीना चाहता मैं एज ए कोच जीना चाहता हूं मुझे मुझे राष्ट्रपति बनने का शौक नहीं है मुझे राष्ट्रपति का गुरु बनने का शौक है तो मैं कामयाब लोगों का गुरु बन गया गुरु डजेंट मीन के वो बाबा जी वाला गुरु या गुरु जी वाला गुरु गुरु का मतलब है गाइड गुरु का मतलब है एक मेंटर जो आपके कंधे के साथ कंधा मिला के चल पाए ये गुरु वो नहीं है जिसके पैरों को हाथ लगाया जाए क्योंकि मैं चाहता भी नहीं हूँ किसी का गुरु बनूँ अच्छा गुरु हाथ लगवाने वाला पैरों को हाथ लगवाने वाला नहीं बन सकता हूँ और ना ही मैं किसी का चेला बनता हूँ शिष्य बनता हूँ क्योंकि मैं अच्छा शिष्य भी नहीं बन पाता हूँ मैं तो केवल दोस्त बनता हूँ बस कंधे के साथ कंधा मिला के हम मिल के आगे बढ़ेंगे तो हम इसको समराइज करते हैं हमने बात शुरू की थी एक वहम की मार्केट में मंदी है प्रोडक्ट्स विदड्रा हो चुकी हैं कुछ प्रोडक्ट्स बंद हो चुकी हैं हमने सितंबर में बहुत काम कर लिया हमने दिसंबर में बहुत काम कर लिया लोग रिबेट मांगते हैं हमारे पास पैसा नहीं है दूसरी इंश्योरेंस कंपनियाँ बहुत आ चुकी हैं ये सारे के सारे मिथ हैं ये सारे के सारे वहम हैं जो ये बातें आज से तीस साल पहले बोलते थे वो आज भी बोलते हैं जो तीस साल पहले नहीं बोलते थे वो आज भी नहीं बोलते हैं आज भी बहुत से स्पीकर्स, बहुत से ट्रेनर्स आज भी कहते हैं कि डिमांड नहीं है स्पीकर्स की डिमांड नहीं है कोई एडवांस नहीं देता है कोई इतने पैसे नहीं देता है आप सर्च कीजिए गूगल पे जाइए पांच पांच हजार में दो दो हजार में ढाई ढाई हजार रुपये में अच्छे स्पीकर्स मिल जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्वालिटी उनके पास है मेरे से बेटर है जिन स्पीकर से मैंने सीखा है वो अपना रेट नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि उनके मन में भी वही वहम है वही शंका है कि शायद हम कर नहीं पाएंगे तो वो शंका आप लोगों ने निकालनी है मार्केट में अगर आप नहीं गए बेचने के लिए तो कोई और जाएगा आप में से ही जाएगा कोई ना कोई आपका पड़ोसी एजेंट जाएगा किसी और कंपनी का जाएगा।, जाएगा जाएगा जरूर जिसके पास पैसे हैं अगर उसके पास कोई भी नहीं जाएगा तो वो अपने पैसे को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा चाहे वो बैंक में डाले चाहे पोस्ट ऑफिस में डाले चाहे वो यूनिट्स खरीदे कुछ भी खरीदे अब केवल आपके हाथ में है कि फसल आपने काटनी है या किसी और से कटवानी है थर्टी फर्स्ट मार्च तक पूरी की पूरी फसल कटेगी इसमें तो कोई डाउट नहीं है उसके बाद हमने बात की ड्रीम की हमने बात की बड़ा सोचने की हमने बात की एटीट्यूड डेवलप करने की जो हमने कहा कि हमने अपने परिवार से शुरू करना है अपने परिवार में अगर हमने मुस्कुरा लिया अगर हमने अपने परिवार में एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे कर लिए तो बाहर हम सब लोगों के साथ मुस्कुराएंगे सब लोगों के साथ हमारे संबंध डेफिनेटली अच्छे होंगे उसके बाद हमने बात की टारगेट सेट करने की जब तक आपके लक्ष्य को सुनकर जब तक आपके गोल को सुनकर पांच लोग आपको पागल नहीं कहते हैं तो आपका लक्ष्य छोटा है उतनी देर आप समझ लीजिए कि और लक्ष्य बढ़ाना है आज घर जाके पूछ लीजिए कि आपने कितनी पॉलिसीज़ बेचनी है या पूछ लीजिए कितना पैसा कमाना है अगर तो आपके फैमिली मेंबर्स ने कह दिया यस यू कैन डू इट इसका मतलब अभी लक्ष्य छोटा है तो आज बात कर लीजिए घर जाके कि मैंने 100 पॉलिसी बेचनी है दो पॉलिसी दो बेचनी है पांच बेचनी है अगर नहीं भी बेच पाओगे कहीं नजदीक नजदीक तो पहुंच जाओगे लेकिन जहां पर आज बैठे हो इससे तो आगे निकल जाओगे हमेशा उड़ने की कोशिश करो हमेशा उड़ो और अगर नहीं उड़ सकते तो दौड़ लो और नहीं दौड़ सकते तो चल लो और नहीं चल सकते तो कम से कम थोड़ा सा खिसक तो लो हिल तो लो क्योंकि एक ही जगह पर बैठकर आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे थोड़ा खिसकने से थोड़ा खिसकने से कहीं तो पहुंच जाओगे तो यहां पर जितने लोग बैठे हैं कोई एक दो लोग आवाज दें हाथ खड़ा करके क्या आप इस महीने में क्या टारगेट फिक्स करते हो पहुंच पाते हो नहीं पहुंच पाते हो ये नहीं सोचना है केवल बिना दिमाग के बोल दो कितना पॉलिसीज थर्टी फर्स्ट मार्च तक बेचोगे कोई दो चार लोग बोलो आवाज दो कितना पचास पॉलिसीज एक पचास पॉलिसीज दो हंड्रेड हंड्रेड एक हंड्रेड दो सेवन सेवनटी आपसे ऊपर बोली तो यहां लग गई हंड्रेड की बोली यहां लग गई है वन फिफ्टी वन एक वन फिफ्टी वन दो वन फिफ्टी वन सवा दो हाँ जी वन ये रात तो मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो अरे बोल दो तो एक हजार बोलने में डर लग रहा है बोलो एक हजार हाँ जी नहीं यार यहां तो बोली चलती रहेगी पांच सौ नहीं पांच सौ एक पांच सौ दो अरे बोलने की हिम्मत करो क्या पता भगवान सुन ले सरस्वती एक बार बैठती है चौबीस घंटे में क्या पता बोल जाओ और ऊपर वाला सुन ले और कहीं ना कहीं से ऐसा कोई इंस्पेक्टर पुलिस का मिल जाए कि ढेर लगा दे यार नोज आवाज दो एक बार बोलो किसने बोला एक हजार कौन है पागल हो गए हो क्या आप केवल यही सोच लेकर जाइए कि आपने एक हजार पॉलिसीज़ बेचनी है एंड आई प्रॉमिस अगर कम बेचोगे तो आपको कोई डांटने वाला नहीं है ऐसा नहीं सोचो कि कैमरा रिकॉर्ड हो गया जी कल एसपी सब पूछेंगे कि क्यों नहीं बेची आपने बेचनी है तो अपने लिए अगर नहीं बेचनी है तो आपका नुकसान है तो एक हजार पॉलिसी सोच लेके चलो कोई नहीं पता कोई नहीं जानता कि ऊपर वाला कब मेहरबान हो जाए और कहे यार इसको एक हजार पॉलिसी दे दो यहीं पर कृष्णे होते हैं यहीं पर मिराकल होते हैं लेकिन सोच केवल आपकी है तो माई डियर एंड माइ डियर डॉटर्स इन वर्ड्स के साथ मेरी शुभ इच्छाएं आपके साथ हैं उस ऊपर वाले के सामने मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग खड़े हो जाइए खड़े हो जाइए जरा हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे छह चीजें उस उस ऊपर वाले से मांगेंगे छह चीजें ऊपर वाले से मांगेंगे पहला तो हम आप सब मेरे पीछे बोलिएगा उस अपने इष्ट को याद करके वो भगवान वो अल्लाह वो खुदा वो क्राइस्ट वो वाहिगुरु जिसको भी आप मानते हो उसे आपने सबसे पहले तो मांगना है कि हे भगवान हमें और अच्छी सेहत दे बोलिए हमारे घर की प्रसन्नता का लेवल और बढ़ाओ हमारी इनकम अत्यधिक बढ़े हमारे दिमाग और तेज हो समाज में हमारी इज्जत और बढ़े

Godless, Godless, Godless. मैं राजेश नायक सीनियर बिजनेस एसोसिएट नागपुर मंडल में भंडारा शाखा में कार्यरत हूँ और हमारे फोरम के द्वारा हमारे अभिकर्ताओं को इस मार्च महीने में बचे हुए 20 दिन में अच्छी तरह से नींद से जगाने वाले और उनके अंदर उत्साह जोश भरने के इसलिए हमने टी एस साहब का जब चयन करने का सोचे तो उनके बारे में हमने अनेक अने बार सुना था और यूट्यूब में इनके बहुत से वीडियो भी हमने देखे और वाकई ऐसा लगा कि इतने कम समय में हमारे अभिकर्ताओं को सच्चे वाकई में अगर कोई जोश भर सकता है तो सर्वसम्मति से हम सब नागपुर मंडल के एस ने ये निर्णय लिया कि मदान साहब को बुलाना चाहिए और वाकई आज जब तीन घंटे का उनका जो सेशन हुआ उस सेशन के अंतर सर उन्होंने जिस तरीके से अभिकर्ताओं को मार्केट में जाने के लिए जोश उत्साह जुनून और एक पागलपन रहना चाहिए उसके बारे में इतना ज़बरदस्त उनके अंदर में जोश भरा है तो मुझे पूरा आशा है कि आज का ये जो प्रोग्राम जिस उद्देश्य से हमने आज ऑर्गेनाइज किया था वो पूरी तरह से सफल हुआ है और आने वाले समय में बीस दिन में इसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा और उनके इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से एक नया उत्साह हमारे यूनिट के अंदर में आया है और ऐसे व्यक्तिमत्व का जिनको आज तक हम सिर्फ सुनते थे प्रत्यक्ष आज हमें देखने का मौका मिला और एक जो जो सुनने भरा मुझे पूरा आशा है कि इसका फायदा हमारे सभी को मिलेगा धन्यवाद सर, मदन सर का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा इस उम्र में भी वो अगर पूरा तीन घंटे बात कर सकते हैं तो हम किसी से एक घंटा क्यों नहीं कर सकते इनका सुन के मुझे अभी बहुत उत्साह आया और मैं सोच रही हूँ कि इस महीने भी अच्छा काम करूँगी और अगले साल से भी अच्छा काम करूँगी जो कि मुझे सर से प्राइज़ मिल सके बहुत तो अच्छा था No नो डाउट मैं उन्होंने अपने जो कैरियर में कैसे किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है एंड उन्होंने मैंने बताया कि चल कोई भी नाम काम मैंने नामुमकिन नहीं है अपनी इच्छा को इतना मन का ये करना चाहिए जिस तरीके से अगर मन की सोच को चेंज करते हैं तो डेफिनेटली काम आपके पास ही है एंड कुछ ना कुछ तो सीखने मिलना ही है अगर उनके एक भी आइडिया अगर अपन अपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो नेचुरल है आपका मैंने सक्सेस कोई भी छी सकता अच्छा लगा प्रोग्राम और आपका इनका प्रोग्राम आ गया मैंने मैंने सबका प्रोग्राम देखे लेकिन इनका प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उसके बाद अच्छे से काम ऐसा लग साहब ने जो नए टूल्स जो दिए के पॉइंट बहुत ही अच्छा था बहुत ही मज़ा आया और अच्छा लगा सुनने में और कुछ नई चीज़ जानने को अच्छा लगा कुछ नई चीज़ पता चली अपने को कैसे जिंदगी जीना और कैसे लोगों से मिलना अच्छा लगा मुझे बहुत कुछ मिला फायदा जरूर होगा फायदा ऐसे बहुत कुछ लेके जा रहे हैं हम बहुत सी पॉलिसियाँ बनाएंगे यहाँ से जाने के बाद बहुत तो अच्छा लगा सर इंस्पायरेशन में तो हम पूरे डिप्रेस है ऐसा लगे कुछ उससे प्रेरणा भी लेंगे ऐसा लग रहा है जैसा दिसंबर खत्म हो गया ना वैसे तो हम डिप्रेस बहुत थे ऊपर से जैसे एलआईसी ने जैसे प्लान बन के सात आठ दिन की गैप दिए उसमें भी हम थोड़े साइलेंट हो गए उससे निकल रहे नहीं कुछ होना चाहिए था सर ये बहुत ही एक्सलेंट प्रोग्राम हुआ है शायद इसके पहले मैंने ऐसा प्रोग्राम अभी तक की नहीं सुना आयु का भी प्रोग्राम मैंने सुना हो तो जो मदान सर ने जो बताया है सही में वो बहुत ही अच्छा और हम हमें इम्प्रूवमेंट आएगा कि हम दावे के साथ कह सकते और फुल एनर्जी और फुल एंटरटेनमेंट के साथ ये प्रोग्राम हुआ है तो वन सेकंड मैं वेरी वेरी थैंक्स टू टी एस मदान सर कि वो यहाँ हमारे नागपुर शहर में आए और हमें ये इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया है लोग तो 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 मेरा नाम शैलेश पंडोले है मैं तुमसर एल आई ऑफिस से हूँ मैं दस साल से इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ इसके पहले भी मैंने ऐसे कई सेमिनार सुने हुए हैं लेकिन टी एस मदान साहब का जो भी सेमिनार हुआ है वो काफ़ी कुछ सीखने लायक था जो सर ने भी बताया है कि पांच लोगों ने कम से कम अपने को पागल कहना चाहिए तो समझना कि अपन को सही चल रहे हैं ऐसे जो सुन के जाऊंगा आज तक 25 के ऊपर तो नहीं गया 75 के पास तो हुई शतक भी इस साल दूसरी तो बात, बात जाए। जाए। आज तक हमने जितने जितने मोटिवेटिवल वाले प्रोग्राम सुने हैं उनसे प्रोग्राम थोड़ा हटके था काफ़ी अच्छा लगा you Thank <laughs> you.

I don't know. दो दो अच्छा यार दो फेज भी निकलना है was one Okay.